जी अच्छा, सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग का बीच में जो सेकंड मेरा सेशन था उसमें मेरी तबीयत ऑफ थी, तो उस सेशन को मैं खुद से काउंट नहीं कर रहा बिकॉज उसमें मैंने सिर्फ रिवाइज करा था, मेनली आप लोग से जनरल डिस्कशंस कर रहे थे। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो साइलोस और आर्किटेक्चर के ऊपर होगा, ये इनफैक्ट थोड़ा सा कीवर्ड्स के ऊपर होगा, और बाकी सेशन जो होगा वो वेबसाइट के स्ट्रक्चर और फिर उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। आज के सेशन में मैं आप लोग से दो मेन बातें करूंगा, इनफैक्ट तीन। एक तो कि आप लोग को अपना जो गोल है, क्योंकि मैं गोल की बात हमेशा हर सेशन में ज़रूर करता हूँ, कोई कैलकुलेशन ज़रूर आप लोग को दे रहा होता हूँ ताकि आप लोग क्वान्टिफाई कर सकें बाद में, अगर आप लोग इफ यू गाइज गो डाउन दिस रोड। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रिस्ट्रक्चर करी हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है, मैं ज़रा चैट विंडो सामने रख लेता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट है जो लोग अगर किसी की वीडियो ऑन है तो प्लीज़ वो ऑफ कर दे। गिव मी अ सेकेंड, मैं ज़रा आई होप आई एम नॉट जस्ट फॉरगेटिंग समथिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, चैट आप लोग की, चैट विंडो अपसेट है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, रिकॉर्डिंग पहले से स्टार्ट हुई है। ठीक है, ओके। तो ये बार बार ना चैट विंडो छपी जा रही है। क्या हो गया इसको? अब ठीक है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो काफी लोगों के पास जो क्वेश्चंस थे ये कि मैं अपना जो है $500 का या $300 का गोल कैसे अचीव करूं, इसके ऊपर मैंने काफी इन डेप्थ वर्किंग करी है, घंटों लगाए हैं ताकि लेमैन जबान में समझा पाऊं, आसान से आसान तरीके से आप लोग को बात कन्वे हो जाए और आप लोग को इस वक्त ही समझ आ जाए कि मेरी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ओके। सो अब हाउ टू गो अबाउट एस्टिमेटिंग, पहले ये चीज जरूरी है कि हम लोग चीजों को क्वांटिफाई कर पाए और कैलकुलेट कर पाए। तो रिमेंबर, बिलो फिगर्स आर एस्टिमेटेड। मैं एक बार इसको पूरी अपने स्क्रीन पे ले आता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। परसेंटेज, ये जो परसेंटेजेस जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं। ठीक है, और इन ये सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, परसेंटेज ऑफ वेब विजिटर्स दैट क्लिक्स ऑन अमेज़न एफिलिएट लिंक्स, ये और सेकंड पॉइंट सेम चीज है, तो मैं सेकंड पॉइंट को हटा रहा हूं। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, इन शॉर्ट क्लिक थ्रू रेट। सही है, ये पहला पॉइंट है। वो लोग जो आपकी वेबसाइट पर आए, जरा समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज आई नो काफी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि अमेजोन एफिलिएट अपनी साइट खोलें और पीएल को फायदा पहुंचाएं। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात को कट कर रहा हूँ, और एक बात जरा मैं जरूर बोल देता हूँ बिकॉज आप लोग के इंटरेस्ट से रिलेटेड है। मुझे तैयबा ने और दो तीन और लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज आप पूछ लें हमारी जो अमेजोन पीएल और होलसेल की टीम है कि क्या हम लोग साथ ही साथ एसोसिएट्स को भी कर सकते नहीं कर सकते। तो किसी ने लिंक करा था बड़ा अच्छा सा आर्टिकल 2014 का, जिसमें लिखा हुआ था कि हम कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरी फाइंडिंग ये है कि मैंने आप लोग को बता दिया था कि मैंने कहीं नहीं देखा कि कहीं लिखा हुआ हो कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ना ये लिखा हुआ है कर सकते हैं ना ये लिखा हुआ है नहीं कर सकते, मतलब अमेजोन की अपनी वेबसाइट पे। तो कह सकते हैं हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम कर सकते हैं, इसका मतलब पीएल के साथ सेम पीसी के ऊपर अगर हम लोग अपने जो है ना अमेजोन एसोसिएट्स के साथ जाएं लाइव। ठीक है, वो अलग डिस्क्लेमर्स हैं कि आप खुद नहीं खरीद सकते उन रेफरल लिंक्स को यूज करते हुए, वो तो मैंने आप लोगों को बकायदा रेफरेंस भी दिखाया है, अमेजोन उस पर स्ट्रिक्ट बैन करता है, हो सकता है उसकी वजह से आपके पीएल भी बैन करते। लेकिन फिर मैंने हमीर को कॉल करी और कुछ और लोगों को कॉल करी, उन्होंने ये बोला कि बेहतर है कि आप लोग ना करें। अब इसके दो ऑप्शन है, जो लोग पाकिस्तान से बैठ के या दुबई से बैठ के अमेजोन यूके जर्मनी या यूएस में कर रहे हैं,
वो तो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग तो वीपीएस यूज कर रहे हैं, वीपीएस यूज करके वो अपने अमेजोन के अकाउंट्स चला रहे हैं लोकल, अपने आईपी के ऊपर या अपनी डिवाइस के ऊपर वो लोग जो है ना अपने अमेजोन एसोसिएट्स चला सकते हैं। एक्सक्यूज मी, अब बात आ जाती है, अब इसके दूसरी तरफ आ जाते हैं हम लोग, वो लोग जो यूएस में बैठे हैं वो क्या करें? उसके लिए उन्होंने बोला कि बेहतर है कि कोई और वो डिवाइस यूज करें या कोई और तरीके का करें, जबकि देन अगेन मैंने ये बात उनको कन्वे कर दी कि भाई अपेरेंटली कोई चीज़ ऐसे सामने नहीं आई है कि कोई खतरा होगा, लेकिन उन्होंने वही बोली जो मैंने भी आप लोग से बोला था कि स्टेक है पैसा आप लोग का, बहुत पैसा लगा हुआ आप लोग का, $20,000-$25,000 किसी के, $50,000 किसी के, $40,000 ये एक छोटी बात नहीं है, इतने बड़े पैसे को एट स्टेक लगाना और फिर इस तरह की चीज़ करना, बाद में अकाउंट बैन हो या कुछ हो तो एक गलत वो डीमोरलाइज हो जाता है बंदा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, मैं देन अगेन प्लीज मैं क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है, मेरे पिछले सेशन में भी ये हुआ कि मेरी किसी बात को गलत तरफ ले लिया गया जबकि मेरा बिल्कुल भी वो इंटेंशन नहीं था, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है, ओके। सो अब आ जाते हैं वापस एस्टिमेशन के ऊपर। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज ये परसेंटेज ऑफ वेबसाइट विजिटर्स दैट क्लिक ऑन अमेज़न एफिलिएट लिंक। जब मैं इस बारे में बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो आपकी वेबसाइट पर आएंगे, कीवर्ड सर्च करा, कीवर्ड सर्च करके आपकी वेबसाइट पर आए, वेबसाइट पे आने के बाद उन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा और उसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये सारी सिचुएशन जो मैंने आप लोग के सामने रखी हुई है ये एक आइडियल सिचुएशन है, ठीक है, एक वो सिचुएशन है जिसमें आपने अपनी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करी भी होगी, आपने अपनी वेबसाइट को टॉप नॉच बनाया हुआ होगा, कॉल टू एक्शंस जगह पे लगे हुए होंगे, रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा होगा, लोड टाइम बहुत अच्छा होगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव, सारी चीजें अपनी जगह पे होंगी, तो आइडियली 10% क्लिक थ्रू रेट होना चाहिए, ठीक है। अमेजोन की एफिलिएट साइट्स के लिए 10% ही बोलते हैं, वेयर एज क्लिक बैंक वगैरह के लिए बोलते हैं काफी कम होता है, 1%-2% तक जाता है। अच्छा, ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, एस्टिमेटेड कन्वर्जन रेट ऑन अमेज़न। आपने 1,000 लोग भेजे अपनी एक आर्टिकल के ऊपर, उस आर्टिकल में से 10% लोग कन्वर्ट कर गए, विच इज 100 लोग, 100 में से 2% लोग जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे, फिर मैं वही बोल रहा हूँ ये ऑन एन एवरेज है, ठीक है, इट इज हाईली लाइकली 2% ही होगा, क्योंकि अमेजोन पे आके तो 2%, अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही दी हुई है, आपने इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दी हुई, वो चीजें मैच करती हैं, यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ एज ए कॉन्डुइट टू अमेजोन, ठीक है, हु इज फ्लोइंग द ट्रैफिक टूवर्ड्स अमेजोन, तो 2% जो है वो वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। 2% बंदे को अमेजोन पे भी, मतलब 1,000 में से 10% लोग आपकी वेबसाइट पर आए, क्लिक करा, और फिर क्लिक करने के बाद उन 100 में से 100 लोगों ने क्लिक करा कॉल टू एक्शन के ऊपर, उन 100, वो 100 लोग जो अमेज़न की साइट पर आए उनमें से 2% लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है इसका। अब एवरेज कमीशन रेट अगर मैं सारी निशेस को मिला लूं और एक एवरेज कमीशन रेट निकालूं तो वो 5% बनता है, ठीक है, तो उस लिहाज से टोटल कमीशन इन वन मंथ, आई एम सॉरी, दिस इज $1,000 कंसिडरिंग के आप एक नंबर ऑफ ट्रैफिक भेज रहे हो, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं इस वाले लास्ट वाले को निकाल देता हूं, बस फिलहाल मैं इसको रखता हूं बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं आगे आप लोग को एक स्टेप और आगे पढ़ाता हूं। मोतिशम ने और कुछ और लोगों ने बहुत वैलिड सवाल करे थे, तो आई हैव बीन सर्चिंग अ लॉट एंड आई वाज ट्राइंग टू क्रिएट माय ओन कैलकुलेटर, ग्लैडली आई केम अक्रॉस वन ऑफ द कैलकुलेटर्स ऑन द वेबसाइट व्हिच आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू यूज इट, सही है, एंड इट इज amaprofits.com और दूसरा है azonhacks.com/azonearningscalculatortool। ये मैं आप लोग को दोनों दे रहा हूँ, ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं, एक साथ मत डाल दीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग एक नजर मेरे साथ साथ देख लें।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ये खोल के रख दें, 2 मिनट आप लोग सिर्फ खोल के रख लें, खोलने के बाद मेरी स्क्रीन आप लोग देख लें वापस से। अब मेरी स्क्रीन पे आप लोग ने अपने माइंड में जो भी इनिश सोची हुई है वो सामने लिखी हुई है आप लोग के, ठीक है। हो सकता है कोई लग्जरी ब्यूटी अमेजोन कॉइंस की तरफ जा रहा हो, कोई हेडफोन्स ब्यूटी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल सप्लाईज की तरफ जा रहा हो, कोई टेक, टेक कहाँ पर है भाई, टेक कहाँ पर है। खैर, लेट्स सपोज कोई फर्नीचर की तरफ जाता हो 8% तक है, ठीक है। तो ये परसेंटेजेस आप लोग के सामने, अब अपनी आपकी जो निश है जिसमें प्रॉबेबली आप लोग उतरोगे, ठीक है, वो परसेंटेज अपने दिमाग में बिठा लो सबसे पहले, ठीक है। अभी अभी क्योंकि अब हम लोग कैलकुलेशन की तरफ आएंगे, ठीक है। सब लोग पहले मुझे बता दें कि सब लोग ने लिंक्स खोल लिए हैं, बंद दबा दें जिन जिन्होंने लिंक्स खोल लिए हैं, ठीक है। ओके, सो अब आप लोग देख सकते हो आई होप मेरी स्क्रीन पे कि मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा एजोन हैक्स मत यूज कीजिएगा, लेकिन मैंने आप लोग को ये प्रोवाइड कर दिया। एक मसला है, मैं आपको बताता हूँ। एएमए प्रॉफिट्स यूज कीजिएगा। अच्छा, एएमए प्रॉफिट्स में एक ऐसा हिस्सा है जो मैं चाहूंगा आप लोग इग्नोर कर दें, मेन कीवर्ड सर्चेस और लॉन्ग टेल सर्चेस एस्टिमेटेड, इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। इसका आधा, ये बेसिकली दोनों मिला के ट्रैफिक ही है जो आप अपनी वेबसाइट पे भेज रहे हो, समझने की कोशिश कीजिए। मेन कीवर्ड सर्चेस जो लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है, ये उसका, एक सेकेंड रुकिएगा, 29,411, ठीक है। ये वो वाला नहीं, आपकी ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ये वो है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो लेट्स सपोज आपके 10 कीवर्ड्स हैं, लेट्स सपोज 50 कीवर्ड्स हैं, 50 कीवर्ड के जो है सर्च वॉल्यूम मंथली क्या है, ये वो है। आपने सबके सर्च वॉल्यूम कंबाइन करें, सबके सर्च वॉल्यूम कंबाइन करें, द अमाउंट दैट इज कमिंग आउट इज अराउंड 80,000, सही है। मैं फिर बता रहा हूं, ये एस्टिमेटेड है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी एक कैलकुलेट करने के लिए। ये मैंने सेट करा हुआ है $500 पे, मतलब आप लोग कहीं पे लिख लो भले से, मुझे कोई मसला नहीं, या आप लोग इस सेशन को फिर से देख लेना। आपका जो सर्च वॉल्यूम हो, जो गूगल कीवर्ड प्लानर या एएचरेफ्स आपको बताएगा, वो तकरीबन 80,000 या 90,000 के करीब होना चाहिए। 80,000 90,000 के साथ आप, मैं एज्यूम कर रहा हूं, कुछ चीजें हम लोग को एज्यूम करनी पड़ेंगी कि आप पहले पेज पे आ गए हो, आप रैंक कर गए हो first 3 सर्चेस के ऊपर, ठीक है। देखें, रैंक करने की कहानी बाद में आती है, अभी मैं आप लोग को पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि हाउ दिस वुड वर्क। 80,000 या 90,000 कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है मंथली, उन कीवर्ड सर्च वॉल्यूम का टोटल आप top 3 में आ रहे हो, पहले पेज के top 3 या top 4 में आ रहे हो, ठीक है। और उससे आप लोग को जो पर मंथ विजिटर्स मिल रहे हैं वो तकरीबन 30,000 के करीब है, गौर करिएगा जरा, 30,000, 30,000 का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है आउट ऑफ सर्च वॉल्यूम 80,000 या 90,000 भी कर ले चले आप। अब आगे आ जाते हैं, ये छोड़ दें लॉन्ग टेल सर्चेस, ये वो, बस आप लोग अपनी टोटल अमाउंट या यहां डाल दें या यहां डाल दें, फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको उठा के यहां डाल दूं और मैं इसको 0 कर दूं, फिर वही बन जाएगा $500, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग अपने दिमाग में ये रख लें कि इन दोनों में से कोई भी एक फील्ड आप लोग 0 रख लें और दूसरी फील्ड आप लोग जो है ना अपनी 80,000 कर ले। देयर इज अ बेटर वे टू यूज दिस कैलकुलेटर, मेन कीवर्ड सर्चेस को और लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्चेस को यूज करके हम लोग कुछ उसका बनाएं, लेकिन फिलहाल अभी मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिए। एवरेज एसईआरपी पोजीशन आपकी क्या हो, पहली, मतलब एसईआरपी मैं आपको बता देता हूँ, इट्स बेसिकली गूगल के उस सर्च टर्म के ऊपर आपकी रैंक क्या है, पहले पेज पे number 1, 2, 3, 4, 5 क्या। एसईआरपी इज बेसिकली योर रैंक ऑन दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। 1 मतलब पहले पे रैंक कर रहे हो, 2 मतलब दूसरे पे रैंक कर रहे हो, 3 मतलब तीसरे पे रैंक कर रहे हो। इसको तुम लोग हिलाओगे तो तुम लोगों को वैल्यूज तुम लोग की आगे पीछे होंगी, देख सकते हो तुम लोग कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पे। सिर्फ मैंने तुम लोग की एसईआरपी पोजिशन 1 से 3 उठाई है तो तुम लोग $130 पे आ गए, 2 करी है मैंने तो
171 और डायरेक्ट वन करूंगा तो देख सकते हो कितना बड़ा इंपैक्ट है, कितना बड़ा इंपैक्ट है, कितना बड़ा जंप है ये। ठीक है, आगे आ जाते हैं। विजिट एफिलिएट लिंक, कितने लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था आइडियली अगर बहुत ऑप्टिमाइज साइट है, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड है, आप लोग मेरी हेल्प ले रहे हो, आप लोग अपने सराउंडिंग में और लोगों से हेल्प ले रहे हो, आप लोग अवेयर की हेल्प ले रहे हो और हमारे माशाल्लाह ग्रुप में और भी लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनसे भी पूछते रहो। देखो जब कंसल्ट करो ना तो मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता नहीं भाई मेरे पास आओ, तुम लोग एक सर्कल बनाओ, उस सर्कल के अंदर लेट्स सपोज तुम लोग किसी भी स्पेसिफिक मॉडल के ऊपर एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, मेंटोरशिप तुम लोग 3 से 4 लोगों की रखो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि किसी ने भी सिर्फ एक मॉडल के ऊपर पूरी जिंदगी नहीं गुजारी होती, ठीक है, वो एक मॉडल के ऊपर एक खास एरिया एक्सप्लोर करता है, दूसरा बंदा जो होता है उसकी टेक्निक डिफरेंट होती है। तो होपफुली अगर दो लोग डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं तो हो सकता है कि तुम लोग दोनों की टेक्निक्स मिला के कुछ ज्यादा अच्छा क्रिएट कर पाओ। सही है, 10% कन्वर्जन रेट यहाँ पे आ गया। अमेजोन परचेस रेट मैंने तुम लोग को बताया था ग्लोबली ऑन एन एवरेज एक जो चल रहा है वैसे भी 2% चलता है। ठीक है, मैं आप लोग को चले एक और बात बता देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में इन द होल वर्ल्ड अगर आप अपनी ई कॉमर्स साइट चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है ना वो होता है 2%। अगर आपकी 2% कन्वर्जन रेट है फॉर द नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग ऑन योर वेबसाइट एंड परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज और व्हाटसोएवर, तो वो बहुत अच्छा कहलाता है। एनीथिंग अबव 2% इज रियली रियली अमेजिंग, लाइक हैट्स ऑफ टू दैट वेबसाइट, लेकिन 2% इज कंसिडर्ड वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाओ। मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था कि तुम लोग की एवरेज अमेजॉन परचेस जो पर प्रोडक्ट हो, जो तुम लोगों ने डिस्प्ले करी भी हो, कोशिश करो कि $100 तक हो, 70 से 100, 50 से भी ऊपर रख सकते हो, ऐसा नहीं 60 भी रख सकते हो, 70 भी रख सकते हो। मुश्किल आने पे कोई 10 में से कोई एक प्रोडक्ट तुम लोग की $50 की भी हो सकती है, लेकिन वैसे मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, कोशिश करो ऑन एन एवरेज $100, मतलब 70 से लेके 120, सही है, अराउंड बिटवीन दो फिगर्स हो। तो अब तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग ने अमेजोन रेट यहाँ से सेलेक्ट कर लो, जो भी तुम लोग का कमीशन रेट बन रहा है तुम लोग की निश में, तो तुम लोग का पता चल जाएगा तुम लोग को टोटल मंथली ट्रैफिक कितना बेचना है। ये दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अब आ जाता हूं मैं एजॉन अर्निंग्स कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, एजॉन अर्निंग्स कैलकुलेटर के ऊपर, एक सेकंड रुकना यार, हाँ, एजॉन अर्निंग्स कैलकुलेटर के ऊपर आ जाता हूं मैं। एजॉन अर्निंग्स कैलकुलेटर जो है, आपको पहले अपना गोल बताना होता है। मैंने बोल दिया मेरा मंथली गोल $500 है, ये थोड़ा आपको ज्यादा आसान लगेगा। आप बोलोगे कि यार मैं तो डायरेक्ट अपना गोल ही बता दूं तो सही है। ठीक है, वहां पे आप गोल नहीं बता रहे थे, आप ये बता रहे थे कि आपकी एवरेज मंथली सर्च ट्रैफिक या सर्च वॉल्यूम क्या है और बाकी चीजें बता रहे थे आप। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट गोल बता रहे हो, तो उस लिहाज से ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग ने अपनी निश बता दी, फर्नीचर होम वगैरह जो भी आप लोगों ने बता दिया, भाई फर्नीचर मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्टेड प्रोडक्ट प्राइस रेंज $100 आपने बता दिया। मंथली विजिट्स, अब आपने सर्च वॉल्यूम नहीं बताया। फर्स्ट सर्च वॉल्यूम इज के उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए मंथली, एक ऑन अ गिवन मंथ कितनी बार सर्च करा जा रहा है। सही है, 1000 लोगों ने सर्च करा, लेकिन 1000 लोगों में से कुछ लोग पहली पोजीशन के लिंक के ऊपर गए, कुछ लोग दूसरी, कुछ लोग तीसरी, इफ यू गेट माय आइडिया, मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ। एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट क्या रहा आपकी वेबसाइट पे, वो रहा आपने बता दिया 10%। मैंने आपको बताया ना, बहुत ऑप्टिमाइज साइट होगी, अच्छी साइट होगी, तो 10% 9-10% 8-10% के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। आपने बता दिया भाई 10% मेरा क्लिक थ्रू रेट है, मेरी वेबसाइट पे आने के बाद 10% लोग जो हैं मेरी साइट से वो अमेज़न के वेबसाइट पे चले जाते हैं। आगे आ जाए, तो ये बता दिया इसने। मंथली प्रोजेक्शन, मंथली प्रोजेक्शन, नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड विल बी 63। जब आप 63 सेल्स करोगे इन अ गिवन मंथ विद विजिटर्स सेंट टू अमेज़न 1000, जैसे मैंने आपको बताया 1000 में से 10,000 में से अगर आपने 10% भेज दिए तो 1000 हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अमेजोन का परचेस रेट जो होना चाहिए, फिर वो 2% नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 6%। लेट्स एक मिनट रुकिएगा, मैं लेट्स सपोज इसको कर दूं,
अब आप ये देख सकते हैं 30,000 पे, वहां पे भी यही आ रहा था दूसरे वाले कैलकुलेटर पे अप्रोक्सीमेटली 30,000 अगर आप मंथली विजिट्स भेजते हो, जिसमें से ये देखें अब ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ये वही फिगर मैच कर रही है जो एएमए प्रॉफिट्स पे आ रही थी। 30,000 विजिट्स, 10% क्लिक थ्रू रेट आपकी वेबसाइट पे, 2% कन्वर्जन रेट अमेजोन की साइट पे, जैसे यहां पे लिखा हुआ आ रहा है मंथली आपको सेल्स रिक्वायर्ड वुड बी 63 विजिटर्स सेंड टू अमेजॉन 3,000 आपकी साइट से, डेली सेल्स रिक्वायर्ड टू विजिटर्स सेंड टू अमेजॉन ऑन डेली बेसिस विल बी 100। एक सेकेंड, मुर्तजा की कॉल आ रही है, मैं जरा अटेंड कर दूँ। जी मुर्तजा जी, अब जी मैंने वो हो गया, मेरा हो गया सेट, हो गया, कोई मसला नहीं। वो मैंने मैसेज कर दिया था ट्रेनर्स में कि प्लीज कोई पोस्ट कर दे, तो उन्होंने कर दिया मेरे ख्याल है, पता नहीं मुझे, लेकिन आ गए सब ऑन बोर्ड, लेकिन सब आए हुए हैं मेरे ख्याल से, किसी ने किसी और ग्रुप में कर दिया होगा, आप फिर से करके देख लें। जी सॉरी, वो एक्चुअली ठीक है, वो अब वो ऑफिशियली भी अनाउंस करें, शायद वो कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा, आई डोंट नो, बट वो अब वैसे भी अनाउंस करें, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अच्छा तो ठीक है, आई होप पहले मुझे ये बताएं, इससे थोड़ी सी आप लोग को क्लैरिटी इस कैलकुलेटर की वजह से थोड़ी हेल्प मिलेगी, बिकॉज I really think के this would help you guys a lot to determine exactly आप लोग को कहाँ जाना है। अब इसमें एक और चीज, दो चीज, दो लेयर्स और आती हैं, आप लोग के दो सवाल और बनते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ये आप लोग ने कर लिया, अब आप लोग के दो और जो लेजिट सवाल बनते हैं ना, वो क्या है कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हम सर्च वॉल्यूम किस तरह ऐड अप करें, मतलब हमारे टोटल कीवर्ड्स कितने होने चाहिए कि हमारा सर्च वॉल्यूम डिटरमिन हो जाए। तो मोहतशम, ये तुम्हारी वाली बात है जिस पे तुम मुझसे बोलते हो ना कि सर मुझे ये एक अंदाजा लगाना है कि कितने अरसे में मैं रैंक करूंगा, और मतलब कितने अरसे में ये कितने ये अमाउंट कमाना शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा इसमें इस बात की तरफ लेके चलता हूँ, इसमें दो चीजें, हाउ मेनी आर्टिकल्स, नहीं इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अचीव एसईआरपी नंबर वन, मैं डिसअग्री करूंगा इस पॉइंट से, आप कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। देन अगेन ये बहुत थोड़ा सा एक वो वाला है टॉपिक जिस पे हम बात करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आप लोग को बताया है, मैं आप लोग को कम से कम अपने 250 से लेके शायद तकरीबन 350 कीवर्ड्स दिखाता हूँ एक डोमेन पर, जो इस पे हम लोग एसईआरपी नंबर वन पर आए हुए हैं अभी, ठीक है। 250 से लेके 350 एसईआरपी नंबर वन उस कीवर्ड के ऊपर इज अ बिग डील, तो मैं वो अभी भी आप लोग को बता सकता हूँ, और टाइम लगा, लेकिन टाइम ऐसा भी नहीं बोल सकते, तकरीबन हम लोग को ये अच्छे रिजल्ट्स 5 से 6 महीने के अंदर आना शुरू हो गए थे, सही है। तो और कंसिडरिंग द फैक्ट के हमारी, अब वो मैं बात का टॉपिक है लेकिन मैं थोड़ा सा छेड़ देता हूँ, डिपेंड्स के आपकी अथॉरिटी साइट है या निश साइट है, सही है, ये सिलेक्शन आप लोग को करना है, ठीक है। तो अब आप लोग का इसके ऊपर दो और सवाल बनते हैं, पहला सवाल ये बनता है कि सर कितने आर्टिकल्स लिखने होंगे मुझे, ठीक है इतना ट्रैफिक भेजने के लिए मुझे आर्टिकल्स कितने लिखने होंगे, ठीक है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी निश सिलेक्शन पे, तभी आज के सेशन में मैं आज आप लोग को जो निश सिलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पास लास्ट लास्ट टाइम मेरे पास 3 स्टूडेंट्स थे, जी तला सेशन स्टार्टेड है, लास्ट टाइम मेरे पास बेसिकली 3 स्टूडेंट्स थे, 3 या कुछ ऐसे ही थे, जिन्होंने जो है मुझसे बोला था कि सर मेरी
हमारी निश निश के ऊपर थोड़ा सा और बात कर लें, हमारी निश फाइनलाइज करने में हेल्प करवा दें। आज के सेशन में मैं आप लोग को 100% श्योर होकर बोल रहा हूँ, आप लोग की निश फाइनलाइज हो जाएगी और आप लोग अपना माइंड बना के बैठे होंगे कि मुझे पता है अब मेरी डायरेक्शन क्या है और मुझे किस टॉपिक के ऊपर लिखना है। ठीक है गाइस, प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरास। सब लोग अपने कैमरास बंद कर दें। चलें, ये सेशन वैसे भी रिकॉर्डेड है, आप लोग ये फिर से देख लीजिएगा। मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, यार अच्छा लिसन, अब जो लोग नए आए हैं मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने बेसिकली मुर्तजा जो था ही वाज कॉट अप इन समथिंग एल्स, सही है, कुछ किसी प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ था। मैंने उसको मैसेज कर दिया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, वो जो है लेट रिप्लाई कर पाया, आप लोग को बेसिकली लेट अपडेट कर पाया। लेकिन रजी ने जो है आई थिंक ओपन ग्रुप में जो है बता दिया था कि मेरा सेशन स्टार्ट हो गया है। आई नो आप लोग व्हाट्सएप पे वेट कर रहे होते हैं क्योंकि आप लोग का मेन चैनल जो है वो व्हाट्सएप है अपडेट करने का, लेकिन आई वुड रियली अप्रिशिएट कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट का 20 मिनट का सेशन ले लिया है, मेरे लिए रिपीट करना बहुत मुश्किल होगा ये सेशन। मैं आप लोग से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं बात कर लूँगा हमीर भाई से, हमीर से बात कर लूँगा कि वो जल्द से जल्द इस सेशन को अपलोड करवा दें। ठीक है, आई नो दिस इज़ नॉट फेयर, बट दूसरे लोगों के साथ भी तो अनफेयर है जो कि अभी बैठे में प्लीज कोऑपरेट कर ले मेरे साथ, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा इसमें। मुझे कोई मसला नहीं है रिपीट करने में, आसिम मुझे कोई इशू नहीं है रिपीट करने में, सिर्फ बात यह है कि मैंने अपनी तरफ से बता दिया था। ठीक है ठीक है, नेवर माइंड, मैं प्लीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं अगेन अपोलॉजीज, लेकिन मेरे एंड से कुछ हुआ नहीं है, मैंने बहुत टाइमली अपडेट कर दिया था। खैर अच्छा, अब मैं बेसिकली आप लोग को बस इतना एक आइडिया दे देता हूँ मैंने करा क्या है। ठीक है, जो मैंने अभी टॉपिक कवर करा है वो ये है कि मैंने इन लोगों को ये दो साइट्स दी हैं, ये साइट्स मैं आप लोग को भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग को हेल्प करेगी कैलकुलेट करने में आप लोग का गोल कैसे अचीव होगा। ठीक है, ये मैं आप लोग को ओपनली शेयर कर रहा हूँ, ये ले लीजिए, इन साइट्स को खोल लीजिए। आप लोग को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इसको यूज करके आपको पता चल जाएगा आपका गोल क्या है। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जो लेट आए, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आप सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हो इस मॉडल में और आप लोग इसको जो है लाइव लेके जाना चाहते हो। इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम मी कि आप लोग प्लीज इस सेशन के शुरू के सिर्फ 10 मिनट देख लो, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ कि मैंने बात क्या करी है। ठीक है, मैंने बेसिकली इन लोगों को सिर्फ ये बताया कि अपने $500 का गोल को अचीव करने के लिए इस कैलकुलेटर को यूज करो, और मेरे सामने जो आप लोग फिगर्स देख रहे हैं ना, इन फिगर्स को आप स्क्रीनशॉट कर लो, मेरी स्क्रीन को स्क्रीनशॉट कर लो आप, अभी जो लेट आए हैं, जो मोबाइल पे देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट कर लें, जो लेट आए हैं और अगर कोई डेस्कटॉप पे तो वो स्क्रीनशॉट कर लें, सिर्फ स्क्रीनशॉट कर लो और इसको सेव कर लो, बाद में इसको रख लेना। ठीक है, आप लोग को सिर्फ अपनी निश यहां से सिलेक्ट करनी है किस निश में आप लोग ने काम करना है, और वो ऑटोमेटिकली आपको आपका $500 का गोल जो है ना वो वेरी कर रहा होगा। इसको 2% पे रखना है अपने वैल्यूज को चेंज करके, और इसको 10% पे रखना है। ठीक है, इसको 100, जो चीजें सेम रखनी है वो 100, 10 और 2 है और 500। ठीक है, ये चीज वेरी कर सकती है, इसको चेंज कर करके जो है ना इसको 2% पे लगेगा किसी तरह। मेन चीज ये है, मंथली विजिट्स को आपके नंबर को आप चेंज करिएगा तो ये आपका 2%, मतलब सपोज अगर मैं इसको 8 कर दूं तो ये 1% बन गया, या 1 कर दूं तो 6% बन गया। आप लोग को इसको ऐसा रखना है कि ये 2% पे आ जाए। ठीक है, इन शॉर्ट ये मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं। ओके, तो अब ये हो गया, तो अब मैं इनको ये बता रहा था कि मैंने आप लोग को ये बात तो बता दी कि किस तरह $500 तक आप लोग पहुंच सकते हो, लेकिन इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस भी रेज हो सकते होते हैं जो आप लोग के दिमाग में होंगे। एक क्वेश्चन ये है कि सर कितने आर्टिकल्स हम लोग को लिखने पड़ेंगे ताकि हम लोग का 30,000 मंथली विजिट्स का टारगेट अचीव हो जाए। इसका जवाब ये है कि निश के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग ने
कोई निश ऐसी सेलेक्ट करी भी है जिस पर ट्रैफिक ही ज्यादा नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं इनको अभी आप लोग के आने से पहले ये समझा रहा था कि मैं आज के सेशन में आज आप लोग को जो भी बात निश से रिलेटेड बताऊंगा, आज आप लोग का माइंड सेट हो जाएगा कंफर्म कि मैंने अब निश सिलेक्शन ऐसे करनी है और कंफर्म इसी के ऊपर रहना है। आप लोग अगर डेविएट हो रहे होगे ना, कंफ्यूज हो रहे होगे अप टिल नाउ, वो कंफ्यूजन आप लोग की खत्म हो जाएगी, क्योंकि लास्ट सेशन और उस लास्ट और लास्ट से लास्ट सेशन में शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा एक थोड़ा से लोग कंफ्यूज थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं निश क्या सेलेक्ट करूं। ठीक है, अब इस पे आ जाती है दूसरी बात कि लेट्स सपोज कोई मुझसे बोले सर निश डिमांड जिसमें मैं काम करना चाह रहा हूं वो तो बहुत है उस पे, लेकिन फिर उस पे बात आ जाती है कि उस पे कंपटीशन कितना है। ये बात याद रखिएगा, मुझे अभी किसी ने ये बात बोली जो कि उनका अपना बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू है कि SERP नंबर वन रैंकिंग लेना किसी सर्टेन कीवर्ड के ऊपर बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत मुश्किल तब नहीं होता अगर आपकी निश स्पेसिफिक वेबसाइट हो, क्योंकि गूगल निश स्पेसिफिक साइट्स को बहुत ज्यादा रेलिवेंसी देता है और वो दूसरी बड़ी साइट्स के ऊपर भी ज्यादा बेहतर रैंकिंग आपको दे देता है। मैं आपको ऐसे तकरीबन कितनी साइट्स की एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूँ। अभी टेक रिडार का नाम सुना होगा आप लोग ने, और भी इस तरह की बहुत सारी साइट्स का नाम सुना होगा। निश स्पेसिफिक साइट्स, छोटी साइट्स 50 पेजेस से 100 पेजेस वाली साइट्स इन बड़ी साइट्स को बीट कर रही होती है। सही है, तो अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग ने कैलकुलेशन कैसे करनी है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग को एक गूगल शीट या कोई एक्सेल फाइल दे दूंगा जिस पे आप लोग अपनी और आराम से कैलकुलेशन कर सको। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे सब ऐसे लोग बैठे हुए होंगे मेजोरिटी जिन्होंने एक्सेल यूज करा हुआ होगा और वो खुद से भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले आप लोग की क्वेश्चन शीट बना दूं ताकि आप लोग साथ साथ क्वेश्चन जो है उसके अंदर डंप करते रहें। आज के सेशन में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि किसी और का सेशन स्टार्ट होना नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। इन क्वेश्चंस को भी मैं कैटर कर दूंगा अपने नेक्स्ट अपने जो है नेक्स्ट शॉपिफाई के सेशन में। एक मिनट प्लीज, जरा थोड़ा सा सब्रुन। ठीक है, ओके okay. तो आप लोग अपने क्वेश्चंस के अंदर डंप करना स्टार्ट कर सकते हैं। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पर बंदा एक क्वेश्चन हो, मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा इस बात को, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस देखने होते हैं और सबको प्रायोरिटी मुझे देनी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक बंदे के जो ना 5 क्वेश्चंस लूँ और एक के एक लूँ, बिकॉज वो अनफेयर हो जाता है। कोशिश करें कि एक रखें, बहुत ज्यादा क्रूशल है और आपको लगता है किसी और ने वो क्वेश्चन नहीं करा हुआ और उससे किसी दूसरे लोगों का भी फायदा हो जाएगा तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरी एक और बात, एक और कोशिश ये करें कि सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करें। आप लोग मुझे मसला नहीं है, आप लोग की क्यूरियोसिटी है, आई रिस्पेक्ट दैट। सेशन से आगे आगे क्वेश्चन आते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है सवाल के, मैं जवाब देता हूँ, मैं हमेशा दूंगा आप लोग के। लेकिन सेशन के आगे, बहुत आगे के सवाल करने से होता ये है कि दूसरे लोगों के और सवाल जनरेट हो जाते हैं और फिर और क्यू में लग जाते हैं और फिर वो टॉपिक कहीं और चला जाता है। तो कोशिश कीजिए सेशन से रिलेटेड। ठीक है, सही है, अब आ जाते हैं हम आपकी कैलकुलेशन की तरफ। ये हो गया, आप लोग को AHRefs लेना है। मैंने आपको बताया था SEORDP.org का मैंने बेसिकली जाके $10 का 7 दिन का ट्रायल लिया हुआ है, जो कि बाद में $25 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं इस $25 में, वैसे अभी 10 दिन के 7 दिन के लिए है, सॉरी $10 का, तो इसमें AHRefs और SEMrush मुझे मिला हुआ है। ये दोनों टॉप नॉच टूल्स हैं फॉर एनी
SEO रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च और एनीथिंग, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत है। ये दुनिया के टॉप टूल्स हैं अभी, और भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन Ahrefs तो डेफिनेटली हैंड्स डाउन एट एनी गिवन टाइम इज दी बेस्ट टूल ऑन द फेस ऑफ अर्थ। सही है, तो ये मैंने लिया हुआ है, ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अभी। ये मैंने अपने फ्रेंड के आईडी से लॉग इन किया हुआ है, जिसका नाम उमेर है। आई डोंट नो इफ उमेर अभी इस सेशन में बैठा हुआ है। आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर प्रोवाइडिंग मी द एक्सेस, बट मैंने SEO RDP का भी एक्सेस ले लिया है, क्योंकि इसमें मुझे मुझे मेरे पास और भी टूल्स हैं जो मैंने आप लोग को हेल्प करने हैं फॉर शॉपिफाई, अमेजोन एंड किंडल। सही है, इस सेकंड आप लोग की तरह चैट विंडो सामने रख लूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इस पे, कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। Ahrefs पे आए, Ahrefs पे जाने के बाद हम कीवर्ड एक्सप्लोरर पे गए। कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाने के बाद मैं अभी आप लोगों से एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने लिखा गोल्फ बॉल्स, आपने बोला मेरी निश है गोल्फ बॉल्स, ठीक है, मैंने करा एंटर। अब ये सारी डिटेल्स मुझे दे देगा, ये है कीवर्ड एक्सप्लोरर, इज बेसिकली कीवर्ड आइडियाज आपको देने के लिए। सही है, जब मैं गोल्फ बॉल्स पे आया तो हमारे पास बहुत सारे परचेस इंटेंट कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर हम लोग को फोकस करना है। मैंने आपको बताया अभी मैं निश सेलेक्शन वाले सेक्शन पे अभी नहीं आया हूँ, मैंने बहुत पहले सरसरी सी बात करी थी, आज मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। आज आप लोग का माइंड बन जाएगा कि आप लोग को निश क्या सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और कीवर्ड के ऊपर हंटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। मैंने लिखा गोल्फ बॉल्स, ये आप लोग की मेन निश हो गई, सपोज आप लोग का, अभी आप लोग को सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। यहां पर हम आए और जरा मैं बाकी की विंडोज बंद कर दूं, ऑल कीवर्ड आइडियाज को मैंने खोल लिया और फ्रेज मैच को खोल लिया अलग से। ऑल कीवर्ड आइडियाज में आए तो आप लोग को भी बहुत बेहतर से पता होगा कि परचेस इंटेंट कीवर्ड है बेस्ट गोल्फ बॉल्स। बेस्ट गोल्फ बॉल्स पर आए तो ये आपको बता रहा है कि मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है गोल्फ बॉल्स के लिए, मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है 5,200, और इसके साथ साथ ही ये आपको कीवर्ड डिफिकल्टी भी बता रहा है। मैंने आप लोग को ये बात पहले बताई थी, अगर आप लोग को याद हो, कि याद रखिएगा इस बात को कि अगर आप लोग को अपने कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है तो लो कंपटीशन हाई इंटेंट कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को रैंक करने की कोशिश कीजिएगा। हाई इंटेंट परचेस इंटेंट कीवर्ड्स वो होते हैं जिसपे हम बाय और इस तरह के कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। इसी सेशन में मैं आगे आके आप लोग को समझ आ जाएगा परचेस इंटेंट कीवर्ड्स कौन से होते हैं या बायर इंटेंट कीवर्ड्स। सही है, तो वो 30 से कम रखिएगा, 30 से कम होंगे चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा, कि अगर आप काम ढंग से करोगे, हर चीज चीजें सारी चीजें अलाइंड होंगी, आप रैंक कर जाओगे। एक बात तो ये हो गई, मंथली सर्च वॉल्यूम ये हो गया, जो मैं आप लोग को यहां बता रहा था अमेजॉन एफिलिएट कैलकुलेटर पे, यहाँ पे वो चीज आप रिलेट कर सकते हैं। जरा मैं एक मिनट इसको इसको यहाँ खींच के ले आऊं, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है 5,200। इसी तरह और भी परचेस कंटेंट कीवर्ड्स हैं, ये सर्च वॉल्यूम है। आप प्लस करेंगे बेस्ट गोल्फ बॉल्स, टॉप 10 गोल्फ बॉल्स, लेट्स सपोज कोई खास गोल्फ बॉल है उसका कोई नाम है, सही है, रिव्यू, ठीक है, बिकॉज मैंने आप लोग को ये बात बताई थी अगर आप लोग को अच्छे से याद हो कि जो ब्रांड नेम्स हैं या फिर जो मॉडल नंबर है, जैसे टीवी का कोई मॉडल नंबर है TCL समथिंग या सोनी ब्राविया T800 व्हाट एवर दैट इज, वो भी बहुत कन्वर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो बाय मॉडल नंबर सोनी ब्राविया, ये वाला मॉडल नंबर, सही है, या रिव्यू अबाउट सोनी ब्राविया मॉडल नंबर, एंड बेस्ट गोल्फ बॉल्स, इस तरह रिव्यू गोल्फ बॉल्स, टॉप 10 गोल्फ बॉल्स, इन सब सारे अपने कीवर्ड्स आपने निकाले, ठीक है, सारे, और आपने उनका सर्च वॉल्यूम रखा एक कॉलम में। आपको डाउनलोड करना है, बहुत आसान है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग इस पूरे उसको पूरे टेबल को आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसमें से आप वो वाले कीवर्ड्स हटा दो जो कि परचेस इंटेंट वाले नहीं है। येट अगेन मैं इस बारे में डिटेल में इसी सेशन में आगे जाके बात करूंगा, ठीक है। मैं जरा आप लोग की फिर से चैट विंडो सामने रख लूँ, बार बार गायब हो जा रही है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। जी आ गई, ठीक है।
एक कॉलम में आप लोग ने वॉल्यूम रखना है, सर्च वॉल्यूम, और दूसरे की आप लोग ने जो आपका वो है कॉलम उसके अंदर आपको क्या रखना है, मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट गोल्फ बॉल्स था, अब ये भी अच्छा कीवर्ड है, बेस्ट गोल्फ बॉल्स 2019, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है, ये भी कन्वर्टिंग है, तो आप लोग का बेस्ट गोल्फ बॉल्स 2020 होगा। सही है, ऊपर आते हैं जरा, हाँ बेस्ट गोल्फ बॉल्स। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करा SERP के ऊपर, तो जब SERP के ऊपर मैंने क्लिक करा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली इस कीवर्ड पे रैंक हुए हुए टॉप 10 आर्टिकल्स बता देगा। मैं आप लोग को करके दिखा देता हूं एक बार, कीवर्ड लिया मैंने, लेट्स सी। अच्छा ये आई होप मेरा US के लिहाज से है, T3, यस देख देख सकते हैं आप लोग, T3 पहला कीवर्ड है इसके ऊपर, T3। दूसरा है 2019 हॉटलिस्ट, 2019 हॉटलिस्ट, ये एक्सट्रीमली एक्यूरेट होता है। जस्ट मेक श्योर ये जो मैं आप लोग को पैनल दिखा रहा हूं, जहां पे जब आप लोग ऊपर सर्च कर लो और लेफ्ट हैंड साइड पे कीवर्ड आइडियाज के ऊपर क्लिक करो, तो नीचे आकर आप लोग मैं जरा इसको क्रॉस करूं, फिर से बता रहा हूं, बेस्ट गोल्फ बॉल्स यहां पे आके इसको रिफ्रेश कर दें। डे ऑन डे आउट रैंकिंग्स हिल सकती हैं, ऐसा हो सकता है आज आप नंबर वन पर हो, कल आप नंबर टू पे हो, परसों फिर से आप नंबर वन पर हो, तो इसके ऊपर रिफ्रेश दबा दें, ये इसकी सर्च रैंकिंग को SERP को रिफ्रेश करेगा और आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स बता देगा, क्योंकि आपने ऊपर यहाँ पे लिखा लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के लिहाज से, इस बात का भी खास ख्याल रखना है, आप अपना ये आर्टिकल कहाँ रैंक करवाना चाह रहे हो, US में चाह रहे हो, यूरोप के किसी कंट्री में चाह रहे हो, कहाँ चाह रहे हो। ठीक है, मेजोरिटी लोग वैसे अमेजोन एफिलिएट US के लिए करते हैं, ट्रेंड चला है कि आप यूरोपियन साइट्स रीजन्स के लिए भी कर रहे हैं लोग ट्रांसलेट करके, उस टॉपिक पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जस्ट मेक श्योर आपने कंट्री सही सेलेक्ट करा हो। ठीक है, ये आ गया SERP पे, आपने क्लिक करा और इस पे आपकी रैंकिंग आना शुरू हो गई एक्यूरेट। अब आ जाए नेक्स्ट, सेकेंड कॉलम जो आपका होना चाहिए उस कीवर्ड के ऊपर, ये होना चाहिए कि अगर आप नंबर वन रैंक करते हो तो आपका एस्टिमेटेड सर्च ट्रैफिक क्या होगा, ये लिखा हुआ रहा, ये एस्टिमेटेड है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एस्टिमेटेड है, ये 1400 भी हो सकता है, ये 1800 भी हो सकता है, सही है, ये 1200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 2000 भी हो सकता है, ऑन अ गिवन डे ट्रेंड पे भी मैटर करता है कि मे बी आज किसी चीज की नीड या उसका किसी कोई ट्रेंड ज्यादा उठा हो। ठीक है, तो इसने ये बता दिया, तो आप लोग ने ये भी पेश कर दिया। अब दो चीजें, आपने एजॉन या आप लोग ने दूसरे कैलकुलेटर को निकाल के ये पता कर लिया कि यार मुझे मंथली विजिट्स कितनी चाहिए और मंथली सर्च वॉल्यूम कितना चाहिए, आपने सारे कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम को प्लस करा, मेक श्योर कि वो अराउंड सर्च वॉल्यूम इतना बन रहा हो, 80,000 से 90,000, अगर आपका $500 का है, जाहिर सी बात है अगर आपका $300 का है तो आपका इससे बहुत कम होगा। और सेकंड कि आपकी जो सेकंड चीज आप फिर भी थोड़ा इन कंसिडरेशन ले सकते हो, आप बोलते हो मैं एक्चुअली दोनों चीजों को कोरिलेट करना चाह रहा हूँ, मेरा सर्च वॉल्यूम भी आप देख कर सकते हो एड अप, और फिर नंबर वन SERP के लिहाज से आपने सारे कीवर्ड्स के जो जितने भी नंबर वन पे जो कीवर्ड्स अभी चल रहे हैं गूगल के लिहाज से जो मैंने आपको दिखाया SERP पे, उनका आपने जो है ना सर्च ट्रैफिक लिया, जो लोग डायरेक्टली उनकी साइट पे जा रहे हैं, सही, और उनको भी आपने जो है ना इन कंसिडरेशन लिया, आपने एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली सबकी और आपने पता लगा लिया कि आपका मंथली ट्रैफिक कितना बन रहा है। अगर आपका मंथली ट्रैफिक लेस देन 30,000 बन रहा है तो फिर आप उसके ऊपर और ब्रेनस्टॉर्म करोगे और ज्यादा आप कीवर्ड्स निकालोगे, हंटिंग करोगे, कीवर्ड हंटिंग करोगे, और आप कोशिश करोगे कि आप अपने सारे आर्टिकल्स मिला के जो आपने पूरा कंटेंट कैलेंडर बनाया है उसका लिखने से पहले आपका टोटल मंथली विजिट्स एस्टिमेटेड आपका ये बन रहा हो, और वो कहाँ चला गया, और आपका टोटल एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम मंथली 80,000 to 90,000 बन रहा हो, ये एस्टिमेटेड है, ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रैफिक 30,000 बन रहा हो, ये कम बन रहा हो या ज्यादा बन रहा हो, इसके ऊपर ज्यादा लिंगर नहीं कीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग को एक फिगर्स दे रहा हूं ताकि आप लोग को कुछ थोड़ा सा एक विजन मिल पाए उस चीज के ऊपर। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। ये वाला टॉपिक यहाँ पे मैं अभी खत्म करता हूँ, इसके ऊपर मैं हर सेशन में डिटेल से डिटेल जाऊंगा,
और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग जो भी काम करने जा रहे हो आप लोग को इतनी क्लैरिटी हो हर चीज के ऊपर कि आपको पता हो कि आज मैं जो भी लिखने जा रहा हूं या जो भी करने जा रहा हूं इसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट होने वाला है। ठीक है, आगे आता है द निश सिलेक्शन। अब इसके ऊपर मैं काफी डिटेल में बात करूंगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं आपको निश साइट खोलने की जरूरत है या अथॉरिटी साइट। आप निश साइट तो आपको पता है क्या होती है, अथॉरिटी साइट क्या होती है ये भी बात कर लेते हैं। निश साइट अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और टॉपिक इजियर टू रैंक बिकॉज ऑफ रेलिवेंसी। याद रखिएगा अगर आपको बड़ी वेबसाइट्स को बीट करना है टेक रिडार टाइप या कोई भी ऐसी पीसी मैग और इस तरह बहुत सारी दूसरी साइट्स हैं जो कि अमेजोन एफिलिएट के ऊपर जो ना कमाने की कर रही होती है, कमा रही होती है बहुत अच्छा। अगर आपको उनको बीट करना है तो आप सिर्फ एक तरीके से बीट कर सकते हैं, वो है निश साइट। आपको निश साइट बनानी पड़ेगी। Easier to rank because of relevancy, क्योंकि Google बहुत ज्यादा पसंद करता है niche sites को और उनको relevancy देता है over authority sites, उन specific keywords के ऊपर। Don't need as many backlinks to rank as compared to authority sites. Easy to structure the site, क्योंकि आपके बहुत limited topics होते हैं। Best way to start if you're new. If you're new, do not overwhelm yourself because अथॉरिटी साइट्स के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप अपने साइट मैप को सोच के ना कि मेरा साइट का पूरा मैप क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आर्किटेक्चर क्या होगा, आप थोड़ा सा जो है कॉट अप हो जाओगे इसमें। ठीक है, तो अबाउट मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड टॉपिक्स, अथॉरिटी साइट्स आर यूजली नॉट यूजली बट अबाउट मल्टीपल प्रोडक्ट्स और टॉपिक्स। लार्ज अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स, बहुत आर्टिकल्स आपको लिखने पड़ेंगे, विल टेक लॉन्गर टू बिल्ड एंड रैंक। We would need a lot of high authority backlinks. High authority backlinks मतलब page domain, page authority, domain authority, जहाँ पे आप backlinks create करोगे वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो जाके आप finally जाके उन keywords के ऊपर niche site को beat करके शायद आप rank करना शुरू कर दो। ठीक है, complex to structure the site, complex होता है। ठीक है, not the best way to start if you're new. अगर आपको ये है कि नहीं यार मैंने तो तीन चार चीजें सोची हुई थी जो मैं एक ही साइट के ऊपर इंक्लूड करता, तो वो अथॉरिटी साइट हो गई। ठीक है, ये तो मुझे मुइज ने कोई और नई चीज बता दी, तो इसमें तो अब मुझे निश की तरफ जाना होगा, तो मतलब मुझे चार चीजों को अलग अलग तोड़ना होगा, तो आप चार निश साइट बना लें, इतना मुश्किल नहीं होगा ये। आप चार निश साइट बना लो, आपकी अर्निंग फिर भी अच्छी ही होगी आपके पास, बल्कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी। सही है, आप चार निश साइट्स बना लो, चार राइटर्स के साथ आप पार्टनरशिप कर लो, कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं जाता। मैंने फिर आपको बताया कि कंटेंट अथॉरिटी साइट्स के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपके पास बहुत कंटेंट जाना होगा कंपेयर टू निश साइट। आप निश साइट की तरफ लिखो, आप आर्टिकल्स जो है अगर यहाँ पे 250 आर्टिकल लिखने तो वहां पे 50 से 100 आर्टिकल्स लिखने। आप तीन से चार निश साइट्स खोल लो, उनको रैंक कर दो, अच्छा है, आपके जो है डाइवर्सिटी होगी, आप मतलब आपके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा आएगा, और आई थिंक इट्स द वे टू गो, नॉट बैड आइडिया। लेकिन कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अथॉरिटी साइट का एक जो प्रो है, जो निश साइट में कौन है, मतलब निश साइट में ना जब लोग अमेजोन एफिलिएट की बात कर रहे होते हैं तब तो वो कोशिश करते हैं, क्योंकि साइट छोटी है 50 से 100 पेजेस की, तो वो कोशिश करते हैं कि वो अमेजोन एफिलिएट के बारे में बात करें, क्योंकि साइट छोटी ना, साइट का जो टोटल आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो छोटा है, आपके पेजेस कम है, अथॉरिटी साइट के बहुत पेजेस हैं, तो फिर उसमें वो क्या करते हैं, वो क्लिक बैंक को भी इनकल्केट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जहां वो एट द सेम टाइम छोटे या मीडियम साइज या प्रोडक्ट से कमा रहे होते हैं, लाइक $100 पे 10%, जो कि तकरीबन $10 हो गया, वहां पे एट द सेम टाइम वो क्लिक बैंक को भी कहीं ना कहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अथॉरिटी साइट के लिंक कर देते हैं, लिस्ट कर देते हैं। तो अगर वहां से उनकी सेल आती है
तो $100 पे उनको डायरेक्ट $50 मिल रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया था कि क्लिक बैंक, मैक्स बाउंटी और दूसरी एफिलिएट नेटवर्क साइट्स जो हैं, ये पर प्रोडक्ट 50 50 60 60 70 70 डॉलर देते हैं, सही है? तो वो दे गो हैंड इन हैंड। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के, ये आप लोगों को डिसाइड करने की जरूरत है कि किस पे आपको जाना है। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था सर कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, काफी लोगों के सवाल है। निश साइट पे आपको 3 से 4 महीने लग सकते हैं रैंक होने में, अगर आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही हो, ढंग से लेके चल रहे हो। 6 महीने भी लग सकते हैं मैट मैक्स, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं और थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। कैलकुलेशन गलत होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपने ओवर एनालाइज कर लिया सिचुएशन को और पता चला कि आपने गलत निश सेलेक्ट कर ली, जिसपे आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अथॉरिटी साइट्स के लिए आपको टाइम ही ज्यादा लगना है, लेकिन अथॉरिटी साइट्स वाला जो गेम होता है ना, वो होता है जिसपे लोग एफिलिएट साइट्स $30,000-$30,000 $3-3 लाख की भी फ्लिप कर रहे होते हैं। फ्लिपा पे गेम बड़ा है, ये गेम बहुत बड़ा है। 2 साल का गेम लेके चलो तो आप इसको इतना ज्यादा, आप इसके ऊपर चंग उठा भी पाओगे, प्लस आपका आप फ्लिप भी जब करने जाओगे तो इतना जबरदस्त फ्लिप करोगे कि आपको मजा आ जाएगा। ये बात है बस अथॉरिटी साइट्स का। निश साइट को जब आप फ्लिप करने जाओगे, ऑब्वियसली अथॉरिटी साइट्स के कंपैरेटिवली आप लोग बहुत कम वो कर, 1/4 का शायद वो होगा इम्पैक्ट, या इससे भी कम हो सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा चले, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी मैंने वो मिनिमाइज कर दिया। निश साइट की एग्जांपल्स, अथॉरिटी साइट्स की एग्जांपल्स, ये मैंने आप लोग को बना के दे दिया है ताकि आप लोग सुकून से बैठ के देख सके कि निश साइट पे जाना है या अथॉरिटी साइट पे जाना है। अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं आप लोग को लुक एंड फील दिखा देता हूँ निश साइट का, और लुक एंड फील बता देता हूँ अथॉरिटी साइट का। 1 दबा दे अगर इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, 2 दबा दे इफ यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड। मेजोरिटी विंस ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, मतलब सबने 1 दबाया बस, ठीक है, ओके डन हो गया। तो निश साइट्स पे बात कर लेते हैं। निश साइट blenderversus.com, ये वेबसाइट स्पेसिफिकली सिर्फ ब्लेंडर्स के बारे में बात करती है। आप इसका वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, टॉप ब्लेंडर ब्रांड्स, टॉप स्मूदी ब्लेंडर्स, ब्लेंडर्स अंडर $100, टॉप डिस्कशंस, ब्लेंडर रिव्यूज। दूसरी साइट की तरफ देखते हैं अभी। मैं सॉरी, ये मैंने फिर से रिपीट कर दिया, ये मैं चेंज कर दूंगा। इनफैक्ट किएगा, मैं इसको ऊपर मूव कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक और डाल दूंगा, कोई मसला नहीं है, मेरे पास टंस एंड टंस ऑफ वेबसाइट पड़ी हुई है आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लिए। bowlersguide.net, ठीक है। अच्छा, आप पहले मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ ब्लेंडर्स के बारे में बात हुई हुई है। ठीक है, 5 Oster ब्लेंडर्स इन मार्केट। ठीक है, बेस्ट सेंट्रीफ्यूगल जूसर, बेस्ट ब्लेंडर विद ग्लास जार, बेस्ट जूसर फॉर कैरेट्स, मतलब एज यू कैन सी टॉप ब्लेंडर ब्रांड्स के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, वाइटामिक्स, ब्लेंडटेक, निंजा किचन, तो इस तरह इन्होंने पूरा वो अरेंज करा हुआ है। ठीक है, ये है निश। एक और निश दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। बॉलर्स गाइड, दिस इज फॉर बास्केटबॉल प्लेयर्स। यहाँ पे आप आ सकते हैं तो आप देखेंगे इन्होंने किस तरह थोड़ा सा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू ब्लेंडर वर्सेस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या आ रहा है ये? ठीक है, अच्छा, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट्स हैं वो अपने ये भी लगा देते हैं, एडसेंस भी लगा देते हैं। मैं जो हूँ इसके फेवर में नहीं हूँ, आप लोग करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। इम्पैक्ट चेक कर लो, स्प्लिट टेस्ट कर लो, एबी टेस्ट कर लो, चेक कर लो कि तुम लोग को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, इज इट वर्थ इट और नॉट। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जब आपके पास क्लटर होगा ना तो बंदे का फोकस मेन आर्टिकल और आपके मेन उस चीज के ऊपर से हट के एड्स के ऊपर जा सकता है, तो इट विल टेक अवे द ट्रैफिक। बट ऑब्वियसली US की मार्केट है तो आप लोग को रिटर्न अच्छा मिलेगा। अच्छा, सो इक्विपमेंट के ऊपर आ जाते हैं। बेस्ट बास्केटबॉल्स, सही है, यहाँ पे हम आ गए तो बेस्ट बास्केटबॉल सारी आ गई हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने बता दिए। ठीक है,
बास्केटबॉल शूज हो गए और इसी तरह उन्होंने सब कुछ बास्केटबॉल्स के ऊपर रखा हुआ है। सही है, डिजिटल ट्रेंड्स पे आ जाएंगे। अथॉरिटी वेबसाइट है, बेस्ट प्रोडक्ट्स। अब अगर आप देखें डिजिटल ट्रेंड्स को राइट नाउ, ठीक है, तो ये हर चीज के बारे में बात कर रहा है, बेस्ट मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स, कहीं और से भी ये उठा रहा होगा अपना एफिलिएट ट्रैफिक जो भी। सही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाइंग गाइड्स हैं यहाँ पे, ये देखिए बाइंग गाइड्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड में जरा आप लोगों को दिखाता हूँ। बहरहाल आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे, ये देखें बेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक करा है तो उनका ड्रॉप डाउन आ गया मेगा मेन्यू 2 का, जिसपे सारे बेस्ट लैपटॉप्स, बेस्ट टैबलेट्स, बेस्ट फोन्स, बेस्ट हेडफोन्स, बेस्ट गेम्स, बेस्ट कार्स, बेस्ट स्पीकर्स, बेस्ट कैमरास, डिश वॉशर्स, मतलब दुनिया भर के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डिजिटल ट्रेंड्स जैसी वेबसाइट को बेचने जाते हो या इसके ऊपर आप लोग अपना लॉन्ग टर्म प्लान रखते हो, तो उस पर आप लोग पीट पीट के कमाओगे लिटरली। ये गेम बड़ा होता है, बेहतर है कि जब आप इस तरह की चीज सोच रहे हो तो आप बड़ा गेम सोचो। आप ये सोचो कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू गो बिग, साल 2 साल का मेरा एम नहीं है, मेरा एम बहुत बड़ा है, 5 साल का, तो बिल्ड समथिंग लाइक दिस, गो अहेड विद दैट। लेकिन अगर आपका वो वाला है कि नहीं यार, मैं आई वॉन्ट टू स्टिक टू 300 to 500 dollars और मैं फ्लिप करूंगा और इसी तरह की चीजें करता रहूंगा मैं, तो गो विद निश स्पेसिफिक। ठीक है, तो मैंने आप लोग को दोनों चीजें बता दी है मैंने, तो अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि किस तरफ आप लोग को जाना है। ठीक है, सो या एक और दिखा देता हूं, बेस्ट रिव्यूज। बेस्ट रिव्यूज पे चले हैं तो यहाँ पे भी हर चीज के पास बेस्ट रिव्यूज ही चल रहे हैं, बेस्ट बिडेट्स एंड बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स, हर चीज के बारे में बात चल रही है ना मैं, तो दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, तो मैंने आपको ये आइडिया दे दिया। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे ये बोला था लास्ट क्लास में कि सर प्लीज हमें जो है ना अमेजोन कुछ एफिलिएट थीम्स बता दे जिसको हम लोग, जिसकी तरफ हम जा सकें। मैं और ऐड करूंगा, लेकिन मैंने खुद सी एस प्लैश यूज करा हुआ है, रीहब यूज करा हुआ है, अल्टीमेट एजोन पे मैंने क्लाइंट के लिए काम करा हुआ है। सही है, और ये दो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने इसके ऊपर सर्च करा है तो मैंने इस वजह से ये भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। दीज साइट्स आर सजेस्टेड, इट्स नॉट लाइक कि सच्ची कोई साइट नहीं हो सकती। दीज साइट्स आर बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड, मतलब सिर्फ इस काम काम के लिए ऑप्टिमाइज नहीं हुई, और कामों के लिए भी ऑप्टिमाइज हुई है, लेकिन आपके अमेजोन एफिलिएट का पर्पस ये सर्व कर देंगी। दे आर ऑल्सो ऑप्टिमाइज फॉर अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग खास रखिए, सी एस स्प्लैश है, रीहब है, अल्टीमेट एजोन है, क्लिपर वर्डप्रेस थीम है, ऑप्टिमाइज प्रेस है। ठीक है, ओके, यहां पे अब हम लोग ने ये बात खत्म कर ली है, मैं आगे लेके चलता हूं। एक्सक्यूज मी, नाइस मसूद, आई एम ग्लैड। अच्छा, सो जनरल गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग निश। अब मैं आप लोग को इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा तेजी से लेके चलूंगा, लेकिन जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस करा, आफ्टर दिस सेशन इज ओवर ऑन निश, यू विल गेट अमेजिंग क्लैरिटी के मुझे अमेजॉन एफिलिएट पे किस डायरेक्शन में जाना है। स्टॉप ओवर एनालाइजिंग, एक हम लोग की टर्म होती है इसके ऊपर, जब आप ओवर एनालाइज कर रहे होते हो निश सिलेक्शन या डोमेन सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर टाइम बहुत वेस्ट होता है। एनालिसिस पैरालिसिस, वेल इट्स बेसिकली एनालिसिस पैरालिसिस, बट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गेटिंग द स्टेप डन क्विकली। सो यू रियली नीड टू स्टॉप ओवर एनालाइजिंग, एंड आई विल हेल्प यू विद दैट शॉर्टली, कि क्या पॉइंट्स आपको अपने जहन में रखने। जैसे आपका प्रोडक्ट वैलिडेशन मैंने आप लोग को शॉपिफाई में सिखाया था, उस तरह निश वैलिडेशन भी आप लोग कर सकते हो। यू कैन मेक मनी इन ऑलमोस्ट एनी निश यू चूज, लिटरली एनी निश यू चूज। इट शुड ओनली बी एबल टू सेटिस्फाई फ्यू की रूल्स ऑफ थम। सही है, तो द रूल नंबर 1 इज स्कोर्स अपॉन स्कोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड ऑन अमेज़न। जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हो उसका एक
मतलब क्रेजी सेल्स हो उसकी अमेजोन पे, सही है। डू नॉट सेलेक्ट अ प्रोडक्ट जिसकी सेल्स नहीं है, यू विल सफर आफ्टर राइटिंग लाइक टन्स ऑफ आर्टिकल्स आपने लिख लिए, आपकी सारी एफर्ट विड गो डाउन द ड्रेन, सही है। डोंट सेलेक्ट निश विच हैज नो प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड ऑन अमेजोन। इफ प्रोडक्ट्स प्राइसेस आर लेस देन $50, देन इट्स हाईली लाइकली यू वुड बी मेकिंग लेस देन $500 टू बिटवीन $1,000, लेस देन। मतलब मैं ये नहीं बोला कि आप $500 से $1,000 के बीच में बना रहे होगे। अगर आपका एम $1,000 है तो आप बहुत कम बना रहे होगे, या अगर आपका एम $500 तब भी आप बहुत कम बना रहे होगे, ठीक है। सेलेक्ट प्रोडक्ट्स विद एटलीस्ट 100+ रिव्यूज विद मोस्ट ऑफ देम हैविंग 4.5 स्टार्स। ये पॉइंट मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपके पॉइंट रूल ऑफ थंब नंबर वन के अंदर आते हैं, स्कोर्स एंड स्कोर्स ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड ऑन अमेज़न, ठीक है। नंबर टू, रूल ऑफ थंब नंबर टू, यू शुड बी कंफर्टेबल वर्किंग इन द निश फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months, सो विच मीन्स कि यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ एनी निश, प्रेफर्ड टू पिक फ्रॉम योर पैशन। आपके पैशन जरूरी नहीं कोई एक हो, ट्राई टू फिगर आउट, मे बी 3-4 हो सकते हैं, ठीक है। मेरा, मैं अपनी पर्सनली बात कर लेता हूँ तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। मेरा खुद का पैशन गेमिंग है, टेबल टेनिस है, मतलब गाड़ियां भी हैं, सही है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज, गैजेट्स हैं, गैजेट्स मेरा पर्सनल फेवरेट पैशन है, बी इट एनी, मतलब कोई भी लेटेस्ट गैजेट्स निकल रहे हो तो आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन देम। भले, हाँ वो अलग बात है, खरीदू नहीं खरीदू एक बात है, लेकिन मैं सर्च जरूर करता रहता हूँ। तो सेम गोज फॉर यू, पिक समथिंग फ्रॉम योर पैशन, इफ नॉट इफ इट इज टू कॉम्पेटिटिव देन डू रिसर्च। मतलब एक रीजन ये भी होता है कि आपने अपना पैशन सेलेक्ट कर लिया लेकिन उसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टीज, इवन लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड जो है आपके बाय बायर इंटेंट कीवर्ड्स, उसकी 60 पे पहुंची हुई है, 70 पे पहुंची हुई है, सही है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। ट्राई टू, मैं ये नहीं बोल रहा जनरल टर्म, जनरल टर्म की बात नहीं कर रहा, बात समझने की कोशिश करें। जनरल टर्म हो गई गोल्फ बॉल्स, बायर इंटेंट हो गया बेस्ट गोल्फ बॉल्स या टॉप 10 गोल्फ बॉल्स, सही है। तो गोल्फ बॉल्स के ऊपर आपका जो है कंपटीशन 50, 60, 70 हो सकता है, लेकिन मैंने खुद देखा है बेस्ट गोल्फ बॉल्स टॉप 10 गोल्फ बॉल्स के ऊपर जो कंपटीशन है इज less than 30, सो यू कैन रैंक ओवर देयर, ठीक है। तो अगर आपका पैशन इज वे टू कॉम्पेटिटिव एंड समथिंग दैट फायदा नहीं है उसमें जाने का, तो फिर डू मोर रिसर्च इन दिस एरिया, ठीक है। इसके और आइडियाज दूंगा मैं। निश शुड बी बिग इनफ टू सपोर्ट अ 50 to 100 page साइट, ये मैंने आपको बता दिया था। निश, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट निश, यू शुड बी एबल टू जनरेट एन आइडिया जो एटलीस्ट 50 से लेके 100 pages की साइट आप बना सको, जिसके अंदर बिगर अथॉरिटी साइट्स विद अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट आर डूइंग वेल ऑन गूगल सर्च रिजल्ट्स। निश इजंट सपोज टू बी टू स्मॉल लाइक चीप लैपटॉप कूलिंग पैड्स अंडर $50, सही है। एक्चुअली सब इट शुड बी टाइप ऑफ मिस्टेक है, या सो लैपटॉप कूलिंग पैड्स अंडर $50 और चीप गोल्फ बॉल्स अंडर $100। मतलब आपने साइट, आप ये नहीं समझिएगा कि मैं टर्म की बात कर रहा हूं, आपने वेबसाइट ही खोल दी जिसका मेन फोकस ही यही है कि मैं सिर्फ गोल्फ बॉल्स डिस्प्ले करूंगा और आर्टिकल्स लिखूंगा विच आर अंडर $100, काम नहीं करने वाला। सो गोल्फ बॉल्स आप सेलेक्ट करो, जैसे कि मैंने आपको ब्लेंडर वर्सेस .com का मैंने आपको बताया कि उसने ब्लेंडर पूरी निश सेलेक्ट करी हुई है, उसने ये नहीं बोला हुआ ब्लेंडर $100 के ऊपर उसने सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उसने एक निश सेलेक्ट करी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज उसने जनरेट करे हुए। हाउ एवर, लैपटॉप एक्सेसरीज और गोल्फ बॉल्स वुड बी अ स्मार्ट इनिशियल चॉइस, ठीक है। सो 3 रूल्स याद रखिएगा, कॉमन मिस्टेक्स वाइल सेलेक्टिंग अ निश, उसके अलावा टॉप इट अप विद दीज 2 पॉइंट्स एज वेल, जब भी बताने वाला हूँ। यू डू नॉट वॉन्ट टू स्पेंड 3 to 4 months वर्किंग ऑन अ साइट दैट जनरेट सेल्स ओनली फॉर 1 to 2 months इन अ ईयर। सीजनैलिटी, प्लीज अवॉइड सीजनैलिटी। सीजनैलिटी के ऊपर जाओगे और तुम लोग को पता नहीं चलेगा, सबकॉन्शियसली तुम लोग सीजनैलिटी पे चले गए, और होगा क्या कि तुम लोग उसके ऊपर लिखते जाओगे लिखते जाओगे, तुम लोग के पास जो है बहुत जबरदस्त लिख दिया, सारी चीजें ऑप्टिमाइज्ड हैं, टू द पॉइंट है, पता चला भाई उसका तो सीजन ही पूरे साल में 2 बार 3 बार आता है और तुम लोग वहां फंस गए, ठीक है। तो बस तुम लोग उन 3 महीने 2 महीने में कमा रहे होगे और
दैट्स इट, ठीक है. एग्जाम्पल, बेदिंग सूट्स, स्विमवेयर, प्रॉम ड्रेसेस, हैवी कोट्स, स्वेटर्स एंड मोर. आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे दी. बेदिंग सूट्स, स्विमवेयर समर्स में होता है, प्रॉम ड्रेसेस खास सीजनैलिटी अगेन, हैवी कोट्स, स्वेटर्स एंड मोर सर्दियों में, ठीक है. डू नॉट गो टुवर्ड्स सीजनैलिटी, कोशिश ये करो सीजनैलिटी की तरफ मत जाना. वैसे इसका एक तरीका और ये है कि अगर तुम बोलते हो कि नहीं सर सीजनैलिटी का मेरे पास एक आइडिया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, मना कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया आया था, आई माइट वॉन्ट टू ट्राई, सिर्फ मैं करता रहता हूँ, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे बोला गया है कि मैं आप लोग को सॉलिड इन्फॉर्मेशन दूँ. मैं खुद ये टेस्ट करना चाहूंगा कि मैं बेसिकली सीजनल के लिहाज से ऐसे रखूँ, समर, विंटर, स्प्रिंग, इस तरह करके अलग अलग निश करूँ, ताकि अगर चार निशेज के ऊपर मैंने बना के रख ली है निशेज वेबसाइट्स चार डिफरेंट सीजन के अंदर, तो मेरी थ्रू एंड थ्रू सेल्स कुछ ना कुछ चलती रहेंगी. जस्ट एन आइडिया. डिमांड फॉर मेनी प्रोडक्ट्स वेरीज फ्रॉम मंथ टू मंथ, डिमांड गोज एट इट्स पीक एंड देन गोज फ्लैट. ये होता है सीजनैलिटी के साथ, ठीक है. मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दे दिया, चेक इन इफ द सेलेक्टेड निश इज सीजनल और नॉट. आप लोग कुछ नहीं करना, आप लोग को जाना है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, वेन यू हैव सेलेक्टेड अ निश, एंड मेक श्योर, प्लीज मेक श्योर, यहां पे आप कंट्री देख सकते हो, आप लोग ने कंट्री सेलेक्ट किया हुआ हो. लेट्स सपोज, मुझे नहीं पता आप लोग अपने पीएल प्रोडक्ट करने जा रहे हो और आप लोग ने जर्मनी में खोला हुआ है अपना, सही है, पीएल प्रोडक्ट की लिस्टिंग, और आप लोग ने अपना पूरा जो भी जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया हुआ है, जो भी करवाया हुआ है, तो इसका मतलब आपका, अगर उसको आप लोग कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो आप लोग ने एक निश स्पेसिफिक साइट आपने खोल दी, ठीक है. जब आपने खोल दी, देन यू हैव टू मेक श्योर कि वो भी ट्रांसलेटेड हो, और उसका यहाँ से ड्रॉप डाउन आपका जर्मनी ही सेलेक्ट हुआ हुआ हो, ठीक है. तो विच मीन्स, विच टेक्स अस टू अनदर पॉइंट, विच इज कि यू हैव टू चेक रीजनल ट्रेंड. रीजनल ट्रेंड चेकिंग इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, सही है. प्लीज इसको भूलना नहीं. रीजनल ट्रेंड नहीं कर रखोगे तो तुम लोग फंस जाओगे. वर्ल्ड वाइड भी नहीं रखना है, रीजनल ट्रेंड देखो जहां पर तुम लोग चाह रहे हो कि तुम लोग अपना सबसे ज्यादा रैंक करवाना चाह रहे हो उसको. वैलिडेटिंग इफ द निश यू सेलेक्टेड इज करेक्ट और नॉट, विजिट गूगल एडवर्ड्स एंड देन साइन इन यूजिंग गूगल अकाउंट, देन क्लिक ऑन डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स. ये मैंने आप लोग को बिल्कुल लेमैन तरीका बताया हुआ है, ठीक है. मैं आप लोग को करके दिखा देता हूं. गूगल एडवर्ड्स लिखा, श्योर जुबैर यू कैन गेट दी स्लाइड्स, साइन इन, गूगल एड्स अगर आप लोग चला रहे हो तो उससे भी जा सकते हो आप लोग कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है. टॉप आप लोग ने, अगर मेरा तो गूगल एड्स के थ्रू जाता हूँ मैं, तो मैं इस वजह से यहाँ से जा रहा हूँ. आप लोग चाहो तो डायरेक्ट गूगल कीवर्ड प्लानर पे भी जा सकते हो. कीवर्ड प्लानर ये ला, इस पे क्लिक करा, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड आप लोग को दिखा देता हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोग को करवाता भी जाता हूँ. डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इसके ऊपर क्लिक करना है. इस पे क्लिक किया तो ये आप लोगों के सामने आ गया. इस स्टेप पे क्या करना है, वैलिडेटिंग इफ द निश यू सेलेक्टेड इज करेक्ट, टाइप इन योर मेन कीवर्ड ऑन कीवर्ड प्लानर, चेंज द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड टॉगल ऑफ ब्रांड नेम्स. मतलब ब्रांड नेम्स कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप लोग चाहो तो ऑन रखो चाहो तो ऑफ रखो, बिकॉज ब्रांड नेम्स के ऊपर भी आपको रैंक करना है. लेकिन मैं एक बात बताऊं, ब्रांड नेम्स के ऊपर कभी भी आप लोग को अथॉरिटी मिलेगी नहीं. हाँ, आप ये कर सकते हो जैसे बाय सर्टन मॉडल नंबर ऑफ सोनी ब्राविया, तो इस तरह करके आप फिर भी रैंक कर सकते हो कहीं ना कहीं, अनलेस के सोनी ने खुद इसके ऊपर रैंक करा हो. लेकिन जिसके अथॉरिटी होती है ना, सबसे गूगल सबसे ज्यादा अथॉरिटी देती है जिसकी खुद का वो प्रोडक्ट होता है, गूगल नोज दैट, ठीक है. तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको करना क्या है. मैंने यहाँ पे गोल्फ बॉल्स की एग्जाम्पल दी हुई है. टाइप इन योर मेन कीवर्ड ऑन द कीवर्ड प्लानर, चेंज द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड टॉगल ऑफ ब्रांड नेम्स. टॉगल ऑफ ब्रांड नेम्स, गोल्फ बॉल्स यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स याद से कर लो, ठीक है. तो यहां पे मैं कर लेता हूं यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है. सेव करा इसको, ब्रांड नेम ऑफ करा, गोल्फ बॉल्स, ठीक है, और सर्च रिजल्ट्स.
अच्छा अब इसने मुझे दे दिया है ये पूरा एक डैशबोर्ड। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे डैशबोर्ड के देखे, क्योंकि क्लटर बहुत है। आप लोग बोलोगे क्या चीज क्या है क्या नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जिसने नहीं यूज करा हुआ तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग को करना ये, आप लोग को किसी चीज पे गौर नहीं करना, सारा क्लटर आप ब्लर आउट कर दें अपने नजर में। शुड एटलीस्ट हैव 500 टू 100 टॉपिक्स एंड ईच डिस्टिंक्ट फ्रेजेस शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू द मेन कीवर्ड व्हिच इज गोल्फ बॉल्स, ठीक है। गोल्फ बॉल्स ये वाला आपको जो है ना कॉलम देखना है, बाकी सारे कॉलम्स जो है ना वो क्रॉस आउट हैं, उनको बाद में देखेंगे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एवरेज मंथली सर्चेस वगैरह ये सारी चीजें आप बिल्कुल इग्नोर कर दें फिलहाल फिलहाल, ठीक है। आपको इस पे फोकस नहीं करना, आपने देखना है अपने निश सिलेक्शन के लिए कि क्या मैं 50 से 100 पेजेस की साइट बना सकता हूँ। उसके लिए आपके पास 50 से 100 सब टॉपिक्स होना जरूरी है दैट आर रिलेटेड टू द मेन कीवर्ड, ठीक है। आप गए यहां पे और आपने यहां देखा बेस्ट गोल्फ बॉल्स, यूज्ड गोल्फ बॉल्स, कस्टम गोल्फ बॉल्स, ठीक है, चीप गोल्फ बॉल्स, मतलब आप देख सकते हो कि मैं यहां पे कितनी सारी बेस्ट गोल्फ बॉल्स 2020 हो गया आप लोग के लिए, सही है। गोल्फ बॉल्स फॉर सेल, सही है। डिस्काउंट गोल्फ बॉल्स, ठीक है, सॉफ्ट गोल्फ बॉल्स, आई डोंट नो, बहुत सारी हैं, स्ट्रेट गोल्फ बॉल्स, गोल्फ बॉल्स नियर मी, खैर सही है। तो इससे आप लोग को ये पता चल जाएगा कि यार मैं जो निश सेलेक्ट करने जा रहा हूँ उसमें वैलिडेशन का प्रोसेस है ये बेसिकली जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। ओके सो वैलिडेटिंग इफ द निश यू सेलेक्टेड इज करेक्ट, यहाँ पे जो आपने ने गोल्फ बॉल्स लिखा हुआ था यहाँ पे शोइंग 482 आउट ऑफ 1523 कीवर्ड्स। So ये आपको वैसे ही कंफर्म करके बता देगा, लेकिन जस्ट इन केस नीचे भी आप लोग जाके देख लीजिएगा कि गोल्फ बॉल्स को यूज करते हुए उससे रिलेटेड आपके मेन रिलेटेड कीवर्ड से यूज करते हुए कितने और ज्यादा टॉपिक्स आप लोग को नजर आ रहे हैं जिसपे आप कंटेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, एक मिनट, ये मैंने खुद से लिस्ट निकाल दिया आप लोग के लिए, निश फॉर आइडियाज, सॉरी आइडियाज फॉर निश उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये मैंने आप लोग के लिए निकाल के रख दिया है। और ये आप लोग यूज कर सकते हो सो दैट यू गाइस कैन गेट सम मोर आइडियाज आउट ऑफ इट, सही है। बहुत सारे वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, दैट इज ऑब्वियसली अप टू यू कि क्या करना है क्या नहीं करना, सही है। व्हेन आई टॉक अबाउट नर्स इट्स नॉट दैट यू गोइंग टू बी राइटिंग अबाउट नर्स बट एक्स रिलेटेड एक्सेसरीज और सो, ठीक है। या सो टू रैप इट अप ये वाला सेक्शन ताकि आप लोग की निश सिलेक्शन हो जाए, आज खत्म हो जाए ये टॉपिक और आप लोग फिर इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ो कि मुझे सेलेक्ट क्या करना है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वैलिडेट यूजिंग रूल रूल ऑफ थंब नंबर 1, 2 एंड 3, चेक सीजनैलिटी एंड रीजनल इंटरेस्ट। लेट मी बोल्ड दिस, ठीक है। चेक फॉर रिलेटेड डिस्टिंक्ट फ्रेजेस अवेलेबल ऑन कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर, खत्म। आपको अपनी निश सिलेक्शन के लिए ये चीजें करनी है बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। सो दैट टेक्स अस टू द सेकंड फेज, और ये हम लोग का आधा इस सेशन में होगा, आधा नेक्स्ट सेशन में होगा, और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट स्ट्रक्चर और वेबसाइट आर्किटेक्चर के ऊपर आ जाएंगे। मैं आप लोगों को डायरेक्टली वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, प्लगइन्स कौन से इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों पे आ जाऊंगा, ठीक है। मैं सॉरी गाइज, मैं अभी स्लाइड वाली बात पे अभी आता हूँ, मुझसे ये बात फिर से कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये कंप्लीट करा दूं। कीवर्ड रिसर्च, तो मास्टर कीवर्ड रिसर्च एंड यू कैन मेक मनी इन ऑलमोस्ट एनी निश, पहले तो ये बात समझ लो। कीवर्ड रिसर्च का तरीका तुम लोग को आ गया, इस पे तुम लोग ने प्रैक्टिस कर ली, याद रखना ये तुम लोग के पीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, होलसेल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या दुनिया का कोई भी काम डिजिटली करने जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च का आर्ट आना। बिकॉज अगर तुम लोग की कीवर्ड रिसर्च सही है तो तुम लोग बाकी पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि चलो यार
मतलब मे बी नॉट द बेस्ट कॉन्टेंट, सही है, नॉट द बेस्ट डिजाइन, बैकलिंक्स मैंने बहुत नहीं क्रिएट करे हुए या बहुत हाई अथॉरिटी वाले नहीं कर पाया मैं, लेकिन बैकलिंक्स क्रिएट करे हुए और ट्रैफिक भी मेरी एवरेज है। अगर तुम लोग की कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी है और बाकी चीजें एवरेज है, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एलैबोरेट करूंगा, प्लीज डोंट गेट द रॉन्ग आइडियाज इन दिस। अगर तुम लोग की कीवर्ड रिसर्च स्पॉट ऑन है, कोई गलती नहीं है इसमें, बाकी चीजों पे तुम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ बाकी चीजें अगर थोड़ी सी 19-20 हो जाएं, थोड़ी कम हो जाएं, तो उसमें गुंजाइश है। कीवर्ड रिसर्च में गुंजाइश नहीं है, ठीक है? बिकॉज कीवर्ड रिसर्च इज ग्रेटर देन डिजाइन, साइट कंटेंट, लिंक बिल्डिंग एंड इवन ट्रैकिंग। इफ योर कीवर्ड रिसर्च इज रॉन्ग, आर्टिकल्स मे नॉट इवन गेट रैंक्ड इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है? एवरेज वेबसाइट लुक, एवरेज कॉन्टेंट, एंड मैंने से ब्रोकन कॉन्टेंट नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट नहीं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ कंटेंट अपनी जगह अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन उससे अच्छा कंटेंट किसी और ने लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च उससे अच्छी हुई भी है, उस साइट से, आप उसको बीट कर दोगे। मैंने फिर बोल रहा हूँ, फिर मेरी बात को गलत मत लेना बिकॉज कोट करते हो, बिकॉज आई सॉ समवन कोटिंग इन अ वेरी रॉन्ग वे, ठीक है? मैं फिर तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग का कॉन्टेंट बुरा हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ अगर चीजें कंपेयर करी जाए, दो साइट्स हैं जो एससीआरपी पे रैंक कर रही हैं, ठीक है, सिर्फ दो साइट्स हैं, एक साइट का एवरेज वेबसाइट लुक है और एवरेज कंटेंट है। एवरेज कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि उसने कंटेंट खराब लिखा हुआ है, कंटेंट सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन दूसरी साइट है उसका कीवर्ड रिसर्च, सॉरी, इसका जो है ना कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी है, एवरेज कॉन्टेंट, एवरेज वेबसाइट लुक, कीवर्ड रिसर्च स्पॉट ऑन। दूसरी वेबसाइट कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सही नहीं चल रही, और वेबसाइट लुक बहुत अमेजिंग है, क्वालिटी कंटेंट बहुत अमेजिंग है, वो कुछ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर लेगा, लेकिन अल्टीमेटली यू विल स्टिल बी टेकिंग द लीड। याद रखना इस बात के ऊपर, कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इस पूरे गेम का जो है ना वो सीन ही यही है, कीवर्ड रिसर्च आप लोग ने अच्छी करी हुई है तो फिर आप लोग जो है ना अपने पसंद के पैसे भी बना पाओगे, ठीक है? फिर से मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, मैं तुम लोग को आइडिया दे देता हूँ, मैं तुम लोग को बता देता हूँ ताकि तुम लोग को आइडिया हो जाए, ठीक है? मैं डोटा टू लैग की बात कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं डोटा टू लैग लिखा, डायरेक्टली वो वाला कीवर्ड आ गया जो हम लोग ने रैंक करवाया था नंबर वन पे, एससीआरपी नंबर वन, जो बोल रहा था मुझसे कि नहीं कर सकते, मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ, एससीआरपी नंबर वन पे बैठे हुए हम लोग इस कीवर्ड पे, 2.4 मिलियन सर्च रिजल्ट्स के साथ, ठीक है? आप लोग बाकी भी सर्च इसके ऊपर करना चाहे कर सकते हैं, ऐसे कम से कम 250 से 350 कीवर्ड्स मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ जिसके ऊपर हम लोग नंबर वन पे रैंक कर रहे हैं, एससीआरपी नंबर वन पे, पेज वन पे नहीं, एससीआरपी नंबर वन पे, ठीक है? अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसके ऊपर जो कंटेंट यहाँ लिखा हुआ है ना, और मैं आप लोग को ये बात गारंटीड बोल रहा हूँ, ये कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है। मैं कंटेंट राइटर की कंटेंट राइटर, ये बहुत अच्छा कंटेंट राइटर है मेरा, बहुत पर्सनल, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम करा हुआ है और मैं मेरे साथ बैठा हुआ है, तो वो भी ये बात जानता है कि पहली बात वो नेटिव स्पीकर नहीं था जिसने ये आर्टिकल लिखा, पहली बात। दूसरी बात, इससे बेहतर आर्टिकल लिखा जा सकता है, बहुत बेहतर आर्टिकल लिखा जा सकता है, जो राइटर है वो खुद भी बोलेगा कि नहीं यार ये अच्छा आर्टिकल है, मैंने दिल लगा के करा, लेकिन आई कुड हैव गॉन एक्स्ट्रा माइल। लेकिन आप ये देख लो कि हम अपने कंपटीशन में बाकी सबसे सबसे नंबर वन पे बैठे हुए, क्यों? क्योंकि हमारी कीवर्ड रिसर्च स्पॉट ऑन थी। और मैं फिर बता रहा हूं आपको ये बात, मैं आप लोग को ये विद केस स्टडी, विद प्रूफ बता रहा हूं कि 250 से 350 कीवर्ड्स की लिस्ट में आपको दिखा सकता हूं जिसपे हम लोग नंबर वन रैंक कर रहे हैं, ठीक है? या ओके, तो ये आप लोग को समझ आ गया। मैं आप लोग को अब बता देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और जो किसका है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या होती है, बायर वर्सेस नॉन बायर कीवर्ड्स या परचेस वर्सेस नॉन परचेस कीवर्ड्स, इनको आप कुछ किसी भी तरह से बोल सकते हैं, परचेस कीवर्ड, नॉन परचेस कीवर्ड्स। नॉन परचेस कीवर्ड्स जनरेट्स टन्स ऑफ ट्रैफिक। बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत बड़ी गलती ये करते हैं, वो बोलते हैं यार ट्रैफिक का ही गेम है ना, तो ट्रैफिक भेज देंगे, कोई इशू नहीं है, टन्स ऑफ ट्रैफिक भेजेंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं टन्स ऑफ ट्रैफिक से रिलेटेड।
एक साइट मैंने देखी थी और मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने काम भी किया हुआ है, दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिन का 12,000 था। दिन का ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यहाँ पे कोई भी बंदा बैठा हुआ ना वो बोलेगा डैम, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिन का 12,000 इज अ लॉट, ठीक है। एंड देन आई नो अनदर वेबसाइट जिसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिन का 1,000 भी नहीं था, और वो ज्यादा कन्वर्ट कर रहा था, वो ज्यादा सेल्स कर रहा था। तो इस चीज, वो जो साइट थी जो 12,000 दिन का 15,000 जनरेट कर रही ट्रैफिक, वो सोच रही थी, अंडर इंप्रेशन थी कि हम बस ट्रैफिक का गेम है, ट्रैफिक भेजते रहो, सेल्स आती रहेंगी। होता ये है कि भाई अगर आपके बायर इंटेंट कीवर्ड्स नहीं है, आपकी सेल नहीं आएगी, आपकी कन्वर्जन रेशियो, मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या होता है। बायर इंटेंट कीवर्ड के ऊपर आपका कन्वर्जन रेशियो कैन गो फ्रॉम 3-4% से लेकर 10% तक। बहुत सारी चीजें और कंसिडरेशन लेनी चाहती है, लेकिन मैं आपको अभी वेरी करके बता रहा हूँ, 3-4% लेकर 10% तक। जब आपका बायर इंटेंट कीवर्ड नहीं होता तो आपकी कन्वर्जन रेट कैन वेरी वेल बी लेस देन 1%, 0.1%, 0.05%, 0.5%, ये होता है आपका। एग्जाम्पल, नॉन बायर इंटेंट कीवर्ड के ऊपर बेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच, आपने बोला बेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच लिखूंगा और साइड पे मैं इस तरह का, ये देख रहे हैं आप, ये बैनर लगा दूंगा। तो बेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच, आपने वो न्यूज लिखी, मतलब जो भी आपने आर्टिकल लिखा कि बेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच आज तक कौन सा रहा है, और आपने उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया, और राइट में जब आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हो, वैसे ये साथ में अटैच नहीं हुआ हुआ, सही है, लेकिन ऐसा होता है कि ये साइड बार जो है ना, ये आपके साथ साथ चलता रहता है जब आप पढ़ रहे होते हो, सही है, ये पिन नहीं हुआ हुआ, तो अभी ये ऑफ हुआ हुआ है, लेकिन मुझे पता है ये पिन हुआ हुआ था। तो अगर ये चीज ऑन हुई भी है, आपका कन्वर्जन रेशियो तस से मस नहीं होगा। आप कितना ही ट्रैफिक भेज दो, आपको फोकस करना है बायर इंटेंट कीवर्ड्स के ऊपर, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना अपना, ठीक है। तो बायर इंटेंट कीवर्ड्स, इसकी जगह क्या हो गया, बाय सीए क्रिकेट बैट, सिंपल, ठीक है। तो I'm sorry guys, इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, ठीक है, ये असल में स्लाइड ऊपर नीचे हो गई, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो मेरा पॉइंट है ना, ये मैं अपने इस स्लाइड के बाद समझाऊंगा, ये बायर इंटेंट कीवर्ड्स के बाद एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। ये हुआ क्या है, आई थिंक मुझसे कुछ गलती हो गई है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, नहीं सब कुछ सही है, कुछ भी मसला नहीं हुआ, या दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। टेक्स्ट एक्स्ट्रा लिखा हुआ था सिर्फ, खैर, तो आई होप यू तुम लोग समझ गए होगे, ठीक है। सैंपल कीवर्ड्स यूज फॉर ईच स्टेज, अबे यार ये फिर वही हो गया ना, सॉरी यार। खैर, ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस में तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ। देखो, जब तुम लोग अपने कीवर्ड सिलेक्शन कर रहे हो, तो तुम लोग को समझने की ये जरूरत है कि तुम लोग का जो कस्टमर जर्नी है, जब आज मैं तुम लोग अपनी बारे में बात कर लो या अब मेरी बात कर लो, कुछ भी समझ लो, मैं एक्चुअली अपना भी गेमिंग पीसी बनवा रहा हूँ, लेकिन ये क्योंकि हालात जो है उसकी वजह से मैं खरीद नहीं सकता, लेकिन अगर बेहतर हुए हुए होते या सही हुए हुए होते, इनफैक्ट सही हुए हुए होते, तो मैं प्रॉबेबली जाके अपना पीसी बनवा चुका होता। तो जब आप पहली बार सोचते हो कुछ कि मुझे बनवाना है या मुझे कोई चीज लेनी है, वो आपकी होती है अवेयरनेस स्टेज, जब आपको ख्याल आता है इसका कि मुझे कुछ लेना है, ठीक है। ये पूरा कस्टमर जर्नी है आपका, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अमेजोन के ऊपर कैसे उतरता है और आपको इसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। सेकेंड स्टेज होता है आपका कंसिडरेशन फेज, जहां पे आप कीवर्ड्स यूज करते हो, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अब जाके सर्च करना स्टार्ट कर दिया बेस्ट गेमिंग पीसी मेरे लिए, ठीक
आप लोग के लिए कुछ और सोचता है, लेट्स सपोज आपने टीवी खरीदने का सोचा है, बेस्ट एलईडी टीवीज 2020, बेस्ट स्मार्ट टीवीज 2020 आपने लिख दिया। इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स पे फिर आप जो है ना कंपैरिजन करते हो सोनी ब्राविया वर्सेस दिस या एलईडी टीवी वर्सेस प्लाज्मा टीवी या व्हाटएवर दैट इज, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेज होता है आपका डिसीजन मेकिंग, जब आप माइंड बना लेते हो और आप परचेस कर लेते हो। डिसीजन मेकिंग में दो फेजेस एट टाइम्स और आ जाते हैं बट नॉट नेसेसरीली। पोस्ट परचेस आपने रिटर्न कर दिया प्रोडक्ट, आपने खरीदा, आपने बोला नहीं मैं रिटर्न कर रहा हूं, बस मुझे मजा नहीं आया, वो रिजल्ट नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, या इसमें कोई मसला है टीवी में, कोई ग्लिच है और आई जस्ट वॉन्ट टू रिटर्न इट। ब्रांड लॉयलिस्ट इज कि आपने रिटर्न करा और आपने बोला कि यू नो व्हाट, मैंने पहली बार सोचा कि यार मैं सैमसंग ट्राई कर लेता हूं, आई विल गो बैक टू सोनी ब्राविया, एक्चुअली आई एम अ ब्रांड लॉयलिस्ट एंड आई हैव बीन यूजिंग सोनी ब्राविया डिफरेंट वर्जन फॉर लास्ट 10 years मे बी, एंड मैंने सैमसंग सोचा कि चलो यार सैमसंग कर लेते हैं, बड़े मेरे आसपास के लोग बोल रहे हैं सैमसंग अब बीट कर रहे हैं सोनी को, लेकिन कम्स टू दिस कि नहीं यार मेरा ओपिनियन अपनी जगह अभी भी फर्म है, सोनी ब्राविया इज बेटर चॉइस, एंड आप सोनी ब्राविया फिर खरीद के ले आते हो। तो ये डिसीजन मेकिंग का उसमें आ जाता है। सैंपल कीवर्ड्स यूज्ड इन ईच स्टेज, अवेयरनेस की स्टेज में बंदा क्या सर्च कर रहा होगा या क्या कीवर्ड्स होंगे, टीवी फ्लैट स्क्रीन टीवी प्लाज्मा टीवी एलसीडी टीवी फ्लैट टीवी फ्लैट स्क्रीन टीवी लार्ज फ्लैट स्क्रीन टीवी, ये होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ हर स्टेज पे आपके कीवर्ड्स क्या यूज हो रहे होंगे। रिसर्च कंसिडरेशन के फेज में 32 फ्लैट इंच टीवी, 32 इंच फ्लैट स्क्रीन टीवी, 19 इंच स्क्रीन टीवी, 42 इंच टीवी, ये हो गया आपका जब आप इवेल्युएट कर रहे होते हो कि 32 इंच बेहतर है या 19 इंच बेहतर है या 42 इंच बेहतर है। परचेज पे जब आप जा रहे होते हो तो आप करते हो बाय 32 इंच, अगर आपको कोई मसला नहीं है कि कोई भी खरीद लूं मैं, और आपने अगर इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स जो कि कंसिडरेशन फेज है, अगर वहां पे बेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी में आपने पढ़ लिया कि यार TCL का या सोनी ब्राविया का वो वाला मॉडल बेस्ट है, और आपने रिव्यू पढ़ने के बाद माइंड बना लिया, प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज कर लिया, इवेलुएट कर लिया, आपने डायरेक्ट लिखना है बाय TCL या सोनी ब्राविया A8G 55 इंच 4K स्मार्ट टीवी बाय करके, मतलब बाय सोनी ब्राविया A8 और फिर पूरा डिस्काउंट मॉडल नंबर, या बाय 32 इंच LCD दैट इज। पोस्ट परचेज में LED टीवी रिपेयर, प्लाज्मा टीवी रिपेयर, टीवी रिपेयर मैन, आई वोंट गो इनटू डिटेल विद दिस। ब्रांड लॉयलिस्ट में फिर आप वही करोगे कि ब्रांड के नाम के साथ आप लिखोगे एप्पल टीवी बॉक्स, बाय एप्पल टीवी बॉक्स, बेस्ट सैमसंग, आई एम सॉरी, बेस्ट सैमसंग टीवी टू बाय, या दैट्स प्रीटी मच इट। अब मैं सिर्फ एक दो स्लाइड्स और रह गई हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस जो होता है, कीवर्ड्स यू डायरेक्टली टारगेट विल डायरेक्टली अफेक्ट हाउ मच रेवेन्यू यू कैन जनरेट फ्रॉम अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। तुम लोग जो भी कीवर्ड्स टारगेट कर रहे होगे, मैंने तुम लोग को बता दिया है कि तुम लोग को कैलकुलेट करना है ट्रैफिक वॉल्यूम और सर्च वॉल्यूम, ये दो डिफरेंट चीज़ हैं, एक सर्च वॉल्यूम एक खास कीवर्ड के उसके मंथ ऑन मंथ क्या है, एक दूसरा ट्रैफिक वॉल्यूम, अगर आप SERP 1-2 जहां पे भी आप अपने आप को देख रहे हो, अगर आप SERP 1 पे आ जाते हो तो आपको ऑन एन एवरेज ट्रैफिक वॉल्यूम क्या मिल रहा होगा, ठीक है। टारगेट सर्चर्स, ओके, यू डोंट वॉन्ट टू बी मेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ठीक है, मेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, आप बस ये बोल रहे हो कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो लेकिन आप कॉल टू एक्शन यूज नहीं कर रहे, आपने कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स नहीं यूज करी हुई और बस इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हो, यू हैव टू बी अ कॉन्डुइट, मतलब कि अमेजॉन पे जाके कोई बंदा परचेस करे और रिव्यूज देखे उससे पहले आप ही सारी इंफॉर्मेशन रिव्यूज के तहत और हर चीज के लिहाज से जो है प्रोवाइड कर दो। आप बोलो कि यार हम हैं ना यहाँ पे बैठे हुए, अगर आपको अमेजॉन पे भी परचेस करना है कोई चीज तो अमेजॉन पे रिव्यूज तो आप देख ही सकते हो लेकिन हम आपको एक होलसम रिव्यूज देंगे, इट गेट हैसल फ्री फॉर यू टू एनालाइज टॉप 10 लिस्ट ऑन वन पेज इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन ईच प्रोडक्ट, ठीक है। टारगेट सर्चर्स हु आर इन स्टेज 3 एंड 4,
नॉट ऑन स्टेज वन एंड टू प्लीज. स्टेज ये है आपकी वन एंड ये है टू. अवेयरनेस स्टेज वन है, यहां पे देख लेते हैं, स्टेज वन है ये स्टेज टू है. स्टेज वन और टू को आपके आपको टारगेट नहीं करना, आपको टारगेट करना है थ्री एंड फोर, जो कि थ्री एंड फोर यही है, सही है. और सॉरी आई एम सॉरी, थ्री एंड फोर आपका, सॉरी थ्री एंड फोर, जस्ट इग्नोर दिस, वन टू थ्री एंड, बस अवेयरनेस को इग्नोर करना है तुम लोग ने, ठीक है. और आप लोग को ये वाला जो सेक्शन है रिसर्च एंड कंसिडरेशन, ये वाला आपको इग्नोर करना है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप लोग अगर अथॉरिटी साइड चला रहे हो तो इट इज हाईली लाइकली आप ऑटोमेटिकली इस पे रैंक कर जाओ. फोकस इस पे नहीं करना आप लोग को, ठीक है. आपको फोकस करना है थ्री एंड फोर, विच इज थ्री एंड फोर. ये मैं थोड़ा लिख दूंगा आप लोग को क्लैरिटी के लिए, मैंने खुद से ही लिखा था लेकिन मेरे दिमाग में था, आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा तो इस वजह से मैं इस पे थोड़ा सा पॉज हो गया था. थ्री इज बेसिकली इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड परचेस वाला सेक्शन, ठीक है. थ्री एंड फोर, फर्स्ट दो पे आपको फोकस नहीं करना, अवेयरनेस नहीं करना, रिसर्च एंड कंसिडरेशन पे आपको रैंक नहीं करना. आप हो जाओ रैंक, आप हर चीज पे नंबर वन रैंक हो गए हो, अथॉरिटी साइट हो तो आप हो सकते हो रैंक, लेकिन आपको इस पे रैंक पे फोकस नहीं करना कि नहीं यार मैंने इस पे रैंक करना है. आपको रैंक करना है बेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी, फ्लैट स्क्रीन टीवी, ये सारी चीजें, बिकॉज ये परचेस इंटेंट है. थ्री, दिस इज थ्री इवेल्युएटिव ऑल्टरनेटिव्स, फोर परचेस पोस्ट परचेस एंड ब्रांड लॉयलिस्ट. ये मैं क्लियर करके इस पे लिख दूंगा ताकि आप लोग को और क्लैरिटी मिल जाए. स्टेज फोर एंड थ्री एंड फोर आर बाय इंटेंट कीवर्ड्स एंड मनी मेकिंग कीवर्ड्स, ठीक है. ओके, सो हम लोग इस पे आ गए. बेस्ट कीवर्ड्स फॉर अमेज़न एफिलिएट, ये लिस्ट मैं तुम लोग को फिर से दे रहा हूँ, ये ज्यादा डिटेल्ड है. अगर इस पे मुझे कुछ और याद आएगा तो वो मैं इस पे ही ऐड करता जाऊंगा, लेकिन दीज आर द परचेस इंटेंट कीवर्ड्स, हैंड्स डाउन दे आर द बेस्ट वंस, ठीक है. बेस्ट मेन कीवर्ड गोल्फ बॉल्स फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं उस वक्त से इसकी एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ. बेस्ट मेन कीवर्ड अंडर $100, बेस्ट मेन कीवर्ड अंडर इन ईयर 2020, टॉप, टॉप एक अलग वो है इसके साथ है तो उसके साथ लगा दिया टॉप. अगेन वही बात की बात रिपीट हो रही है. चीप आपका मेन कीवर्ड, अफोर्डेबल मेन कीवर्ड, प्रोडक्ट नेम विद मॉडल नंबर रिव्यू, गाइड फॉर प्रोडक्ट नेम विद मॉडल नंबर एंड द पावर ऑफ फोर. द पावर ऑफ फोर भी बायर इंटेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर इंटेंट कीवर्ड्स कहलाते हैं. मतलब मैं आप लोग को आइडियाज जनरेट करना भी सिखा देता हूं. आपने बोला बेस्ट लॉन मोअर फॉर, google.com पे गए आपने, यहां पे ये कर दिया, सारे आपको इसने उठा के एक के बाद एक कंटेंट आइडियाज आपको प्रोवाइड करके आपके सामने रख दिए. बेस्ट लॉन, मतलब द कंटेंट कैलेंडर इज फ्रंट ऑफ यू. बेस्ट लॉन मोअर फॉर स्मॉल यार्ड, बेस्ट लॉन मोअर फॉर हिल्स, बेस्ट लॉन मोअर फॉर मनी, बेस्ट लॉन मोअर फॉर वन एकड़ लॉट, मतलब इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू नाउ. आप लोग को इस पे बहुत ज्यादा मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का टाइम आपका सेव कर लिया है. बेस्ट द पावर ऑफ फॉर की वजह से आप अनगिनत कीवर्ड्स निकाल सकते हो. मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आप लोग को और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए. लेट्स सपोज मैं बात कर लेता हूं फिशिंग रॉड की, चलें, ठीक है. बेस्ट फिशिंग रॉड फॉर बेस, फॉर किड्स, ट्राउट, फॉर द मनी, वॉलआई, एएफके फिशिंग. एएफके फिशिंग इटसेल्फ आई थिंक काफी मशहूर है. सॉल्ट वाटर, कैटफिश, कैरपी, पियर फिशिंग, आई मीन यू हैव सो मच कॉन्टेंट ओवर हेयर ऑलरेडी, ठीक है. तो That's all for today, ठीक है. और एक मिनट रुकना जरा, मैं स्लाइड कर दूँ और इस सेक्शन को अच्छा सो बस याद रखना इसको. ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है, ये मैं टू बी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है. आई स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस नाउ. आई होप आज के सेशन में आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिल गई हो. मैंने आपको कीवर्ड कैलकुलेटर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस दी है.
आप लोग अपनी कैलकुलेशन करके रख सकते हो, उस कैलकुलेशन के बेस पे आप लोग ने निकाला ओके यार पर कीवर्ड, याद रखना मैं फिर बता रहा हूं, दिस गोज फॉर एवरीवन। ट्रैफिक वॉल्यूम निकाल लिया आपने, ने बोला 30,000 ट्रैफिक जो मेरी साइट पे आएगा वो कन्वर्ट करके अप्रोक्सीमेटली मुझे $500 देगा अगर मेरी SERP रैंकिंग अच्छी है। अगर 80,000 टू 90,000 ट्रैफिक सर्च वॉल्यूम है, नॉट ट्रैफिक दैट कम्स टू माई वेबसाइट, सर्च वॉल्यूम है, और अगर उस पर मेरी अच्छी SERP है, तो मैं फिर वही $500 के एस्टिमेट के फिगर के अराउंड लैंड कर सकता हूं। ठीक है, उसके साथ साथ आपके लेस सपोज, मैं सिर्फ आप लोग का एक एजम्पशन रख लो यहां पे, आप लोग ने अपनी कैलकुलेशन निकाल ली, लेस सपोज उसमें आपने 100 कीवर्ड्स निकाल लिए, 100 कीवर्ड्स विच आर एक्यूमुलेटिंग टू 30,000 ट्रैफिक पर मंथ, अगर आप SERP में वन वन पे आते हो, आप लोग ने इस चीज की कैलकुलेशन निकाल के रख ली। अब फॉर दैट एवरी कीवर्ड आप कितने कंटेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हो, यस हर कीवर्ड के ऊपर आपको एक कंटेंट तो लिखना ही है ना, तो एक कंटेंट आपका 1,000 से लेके कम से कम 1,000 मतलब 1,200, मैं आपको बोलूंगा आइडियली 1,200 लेके 1,800 कीवर्ड्स तक का लिखें। टॉप 10 होता है ना, टॉप 10 मोबाइल फोन्स या टॉप 10 वट एवर दैट इज टॉप 10 करके, वो होते हैं 4,000-5,000 कीवर्ड्स लेंथ लॉन्ग कंटेंट, सही है। तो उस पे जो है मैं बात नहीं कर रहा, मैं अभी जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके जो मेजोरिटी आर्टिकल्स होंगे टॉप 10 को हटा के, वो सारे कम से कम 1,000 से 1,500 के बीच में फ्लक्चुएट होने चाहिए। 1,800 हो बहुत अच्छा है, 1,500 हो फिर भी बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं, लेकिन 1,800 मैं बोलूंगा कि कोशिश करो कि 1,800 के अराउंड रहो, ठीक है, और बहुत ज्यादा ऊपर जाने की उसे जरूरत नहीं है, लेकिन 1,500-1,800 के बीच का अपना एक वो रख लो, ठीक है। तो फिर तुम लोग को पता चल जाएगा तुम लोग कितने कंटेंट पीसेस लिखवाने हैं, और अगर तुम लोग फिर अपनी वो कैलकुलेशन करना चाहो कि अच्छा अगर मैं कोई फ्रीलांसर हायर करता हूँ तो फिर पर कीवर्ड या पर वर्ड वो मुझसे इतना चार्ज कर रहा होगा, तो मेरा टोटल कितने पैसे बनेंगे, या फर्ड वर्ड्स पर आर्टिकल या, ठीक है, ओके। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। आप लोग अभी हैंड रेज मत करना, आई विल फर्स्ट आंसर दीज एंड देन टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑफ ऑफ द हैंड रेज सेक्शन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वाओ व्हेन वी यूज द टर्बो एड टेक्निक आई गेट, नहीं ये पुराना वाला है, आई एम सॉरी, ओके यहां पर आ गए, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, सर कैन वी प्लीज मेक अ फ्लो चार्ट सो वी कैन वर्क इन सिक्वेंशियल सीक्वेंस, राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नॉट नो एनीथिंग। अच्छा हाँ, तो अरसलान मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तुम लोग के लिए, सही है, इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। मैं बेसिकली आई हैव डन मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो हम ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर काफी लोगों को पता होगा, इट इज अ टर्म ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सही है। तो मैं तुम लोग के लिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ताकि तुम लोग को ये बात पता चल जाए कि पहले क्या एग्जैक्ट सीक्वेंस में तुम लोग को जाना है, ठीक है। ये मैं तुम लोग को हैंड ओवर कर दूंगा बिफोर द नेक्स्ट सेशन, सही है, बिफोर द नेक्स्ट सेशन में तुम लोग को हैंड ओवर कर दूंगा, और तुम लोग फिर आराम से बैठ के उसको देख के पता लगा सकते हो, ठीक है, मेरा पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, ओके आई एम डन, ठीक है। मैं असल में उसमें कोशिश मैंने अभी तुम लोग को दे सकता था, अभी मेरे पास मोर देन 80% रेडी है, मैंने इसलिए नहीं हैंड ओवर करा कि अगर मैं हैंड ओवर कर देता तो हो सकता था तुम लोग के और क्वेश्चंस रेज होते, या तुम लोग हो सकता था उसमें कोई पॉइंट्स मिस होते तो तुम लोग काम कर चुके होते और बाद में तुम बोलते सर ये क्या हो गया, मैंने तो पहले वो कर लिया ये रह गया, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ फाइनलाइज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तुम लोग के सामने हो, ठीक है। हाँ डोंट वरी, मैं तुम लोग इस स्लाइड पे शेयर करूंगा, मैंने इस स्लाइड मैंने मुर्तजा के साथ जो है ना शेयर कर दी है। उसके अलावा क्योंकि तुम लोग बोल रहे हो कि हमारे पास जो है स्लाइड्स नहीं आ रही या इस तरह के मसले आ रहे हैं, तो मैं एक काम और करूंगा कि मैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अलग से
विद इन दिस वीक बिफोर द नेक्स्ट सेशन ऑफ एमेजॉन एफिलिएट्स मैं तुम लोग के साथ ग्रुप पे शेयर कर लूंगा, ठीक है? ओके, सो शोएब का सवाल है, काइंडली गिव अस डिटेल्ड बजट टू इन्वेस्ट ऑन आर्टिकल्स एंड अदर वेबसाइट्स। ये तो मैंने या डिटेल्स जो है ना, असल में मैंने तुम लोग को बताया था कि ये जो चीज है ना, ये जो सवाल तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने तुम लोग को बताया निश पे डिपेंड करता है ये बहुत ज्यादा। तुम लोग की निश क्या है? अगर तुम लोग अपनी ये जो तुम लोग को मैंने होमवर्क दिया है सॉर्ट ऑफ, कि भाई तुम लोग अपने उसके ऊपर होमवर्क करना शुरू कर दो, कीवर्ड वॉल्यूम के ऊपर, कीवर्ड ट्रैफिक के ऊपर, इन चीजों के ऊपर, और कीवर्ड का ये कीवर्ड हंटिंग का ये सिलसिला एक और सेशन में थोड़ा सा जारी रहेगा। अगर तुम लोग ये होमवर्क कर लो तो मैं तुम लोग को बता सकता हूँ तुम लोग का बजट क्या लगेगा, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन बजट सेम नहीं लग सकता हर बंदे के ऊपर अगर तुम लोग इसको किसी से आउटसोर्स करवा रहे हो, ठीक है? हाँ, अगर तुम लोग खुद से कर रहे हो सारे काम, या तुम लोग अपनी बहन से करवा रहे हो और तुम लोग ने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मैंने क्या करा हुआ है मैं तुम लोग को अपना बता देता हूँ। मैंने अपनी बहन के साथ और अपने दो और दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करी है 50-50% की। मैंने बोला भाई मैं ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन दूंगा, मैं वेबसाइट का पूरा लुक एंड फील देखूंगा, मैं कीवर्ड हंटिंग करूंगा, कंटेंट कैलेंडर मैं प्रोवाइड करूंगा, लिखना तुम्हें, सही है? वो शख्स और वेबसाइट का जितनी भी क्रिएटिव है वो भी मैं सेट करूंगा, लिखना तुम्हें, 50% तुम्हें मिलेगा, जो भी जब भी ट्रैफिक जनरेट होगा और पैसे आने शुरू होंगे 50% मुझे मिलेगा। अब वो $30 का 50% हो या $300 का 50% हो, सही है? वो शख्स ने वो कर लिया। और मैंने बोला कि जब फ्लिप करेंगे हम लोग, अगर फ्रॉम फ्लिपिंग फ्लिपिंग पे जाते हैं तो जो भी अमाउंट होगा वो हम लोग 50-50 कर लेंगे या 70-30 कर लेंगे, जो भी, ठीक है? तो इसका आई होप आपको आंसर मिल गया हो कि मेरे लिए जानना, फिर आपसे सवाल ये, आपका सवाल लेजिट है, लेकिन फिर मेरा आपसे सवाल ये होता है आपका, आपके ये होमवर्क होना जरूरी है। मैं जरा एक काम अपने पास भी लिख लेता हूँ। मैं समझा नहीं, 50-50। ओके, उस्मान का सवाल है, यू आस्क मी टू कॉन्टेक्ट यू रिगार्डिंग माय करंट एफिलिएट्स एंड डिस्कस फेसबुक मैसेंजर। ओके उस्मान, मैं चेक कर लूंगा, मुझे याद है मेरी तुमसे बात हुई थी, सॉरी मैं आई कुडंट गेट बैक टू यू, लेकिन यकीन करो मेरी वाइफ मुझसे इस बात पे गुस्सा है कि मैंने अपने आप को क्या हाल करा हुआ है। मतलब मैं खुशी से करता हूँ, I love helping people and I would love to help you guys through all, जो भी आप लोग जिस मसले में भी फंसे हुए हो। मसला ये है सिर्फ कि मैं जब स्टार्ट करता हूँ किसी को हेल्प करना तो एक स्टूडेंट पे मेरा 1-1.5 घंटा लग जाता है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हों ऐसे जो इस बात को सेकंड भी करें, जिन्होंने मुझसे बात कर ली है, सही है? मैं जब वसीम भाई अगर होंगे यहाँ पे तो वसीम भाई आप लोग को अच्छे से बता सकते हैं कि मैंने तलाल तुम इमोटिकॉन बना रहे, तलाल से पूछो आप। तो जब मैं स्टार्ट करता हूँ किसी को हेल्प करना तो घंटा सिर्फ उसमें लगा देता हूँ कि जब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और उनको एंड टू एंड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, तो इस वजह से लेट हो जाता हूँ मैं किसी को रिप्लाई करने में। लेकिन मेरी इंटेंशन क्लियर ये होती है कि मैं सबको, सबके पास जाऊं और अलग एक प्रॉपर सेशन लगा लूं, ठीक है? हाउ मेनी कीवर्ड्स वी हैव टू सेलेक्ट फॉर 80,000? That really depends on your niche again. मैंने आप लोग को best of के सारे वो purchase intent, buy intent दे दिए। आप उसके ऊपर सर्च करना स्टार्ट करो अपनी निश में, जो भी आपकी निश है, गोल्फ बॉल है तो गोल्फ बॉल हो गया, आई डोंट नो, कैमराज है तो कैमराज हो गया। सर्च करना स्टार्ट करें कि उस कीवर्ड के ऊपर उस परचेस इंटेंट के साथ क्या आपका वॉल्यूम आ रहा है, क्या ट्रैफिक वॉल्यूम आ रहा है, क्या सर्च वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है? तो फिर ये तो आपको ही पता चलेगा कितने कीवर्ड्स निकले। जब आपके कीवर्ड्स निकल आए वो कीवर्ड्स की शीट आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो जैन, इज बेस्ट फेस मास्क चीप फेस मास्क गुड निश? फेस मास्क इज वेरी गुड निश, फेस नहीं, मुझे नहीं पता, वही बात है कीवर्ड रिसर्च करो। मैं फिर बोल रहा हूं
कीवर्ड टूल पे, कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर नहीं, मैं बोलूंगा आप लोग कीवर्ड प्लानर, सॉरी कीवर्ड प्लानर पे भी जाके सर्च करो फेस मास्क पे, आपके सर्च रिजल्ट्स क्या इतने आ रहे हैं कि वो 50 से 100 पेजेस को क्रॉस कर सकते हैं आपके? कीवर्ड्स देखना शुरू करो, देखो कि फेस मास्क, फॉर एग्जांपल फेस मास्क तुम लोग गए और सिर्फ फेस मास्क तुम लोग टाइपिंग करके डाल दिया, मैं तुम लोग को बताता हूँ, 1 मिनट, फेस मास्क चलो तुम्हारे सामने कर लेता हूँ ताकि तुम्हें हेल्प हो जाए, ठीक है? 1000 कीवर्ड्स, मैं समझता हूँ बहुत आराम से इसके ऊपर हो सकता है। फेस मास्क फॉर मेन, बिल्कुल, चारकोल फेस पील फेस मास्क, ये बहुत मशहूर है। एलईडी फेस मास्क आई थिंक होता ही है, मैंने सुना है शायद। ब्लैक हेड मास्क या फेस मास्क तुम बोल लो, सही है। पील ऑफ फेस मास्क, सही है। हाइड्रेटिंग फेस मास्क, देयर यू गो, इतने सारे वो आ गए, सही है। या आई थिंक ये लो, मैंने तुम लोग को द पावर ऑफ फॉर बताया था। बेस्ट फेस मास्क फॉर एक्नी, बेस्ट फेस मास्क फॉर फ्लू, बेस्ट फेस मास्क फॉर ड्राई स्किन, बेस्ट फेस मास्क फॉर मैन, बेस्ट बेस्ट फेस मास्क फॉर सेंसिटिव स्किन, बेस्ट फेस मास्क फॉर ऑयली स्किन, देयर यू गो, आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व, तुम्हारा ये मसला सॉल्व हो गया। तुम्हारे पास अगर ये टोटल मोर देन 50 to 100 क्रॉस कर रहे हैं, लिखना स्टार्ट कर दो इसके ऊपर, ठीक है? सो दैट्स दैट। देखो सर, बट द साइट विल टेक टाइम टू रैंक वांटेड अराउंड 3 मंथ्स। हाँ, तो वो तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक पे तो स्लो ही रैंक होता है। 3 मंथ्स, देखो 3 मंथ्स, बहुत सारे लोग ना सोचते हैं कि यार मुझे रिजल्ट्स कल चाहिए। तुम लोग इस बात को समझने की कोशिश करो कि कोरोना वायरस की वजह से अल्लाह ताला इस मसले से सारे सब लोगों को जल्दी बाहर निकाले और जल्दी ये मसला सॉल्व हो, लेकिन तुम लोग को इमेजिन करो कि ये कितना सिवियर इशू बन गया है कि लोगों के बिजनेसेस, इवन ऑनलाइन बिजनेसेस भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो फ्रीलांस बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पास फ्रीलांस पहले जितने ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, मैं कुछ काम नहीं कर रहा फ्रीलांस पे, लेकिन मेरे पास दे दनादन ऑर्डर्स आए जा रहे हैं। बताने का मकसद ये है, कुछ बिजनेसेस अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरा फ्रीलांस में बहुत तेजी से ऑर्डर्स आ रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर कोई $700 $800 के ऑर्डर आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं बोलूंगा मेरे $700-800 जाए भाई, नहीं चाहिए $700-800, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बिकॉज सबके सबको एक बहुत बहुत बड़ी परेशानी पेश आ रही है। मकसद क्या है कहने का, कि आप लोग 3 मंथ्स, अब 4 मंथ्स देखना बंद कर दो, अब आप लोग बनाओ कॉन्टिजेंसी प्लान अकॉर्डिंग लुकिंग एट दिस एपिडेमिक पेंडेमिक इश्यूज। क्या पता कल को क्या इश्यू आ जाए भाई, आप लोग अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर फोकस करो। वो पीएल हो तो आप साथ में और 3 और लेके चलो भाई, कौन सा किस वक्त काम करना शुरू हो जाए। मैं पर्सनली शुक्र, मतलब मेरी सिचुएशन में मैं तो शुक्र मानूंगा कि यार शुक्र है, मतलब कि इस डायर सिचुएशन में, इतनी मुश्किल सिचुएशन में मेरा कोई एक सोर्स ऑफ इनकम चल रही है। लेकिन उन बेचारों को क्या जिन जो नहीं है इसमें, तो बस दिल दुखता है, ठीक है? तो बहरहाल ये हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। After doing some initial keyword research and out other number analysis, can we send you the niches we have sorted out? Sure, मुझे बिल्कुल सेंड करो, कोई मसला नहीं। Which platform you are using for web hosting? Web hosting or purchase platform? मैं Bluehost यूज कर रहा हूँ। सही है काशिप, where will this video be uploaded and when? I will try my best कि ये VBC में जल्द से जल्द अपलोड हो जाए। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं है कि मैं खुद अपलोड करूँ, ठीक है? उस्मान अरशद का सवाल है सर, हाउ मेनी टाइम्स वी शुड रिपीट वन कीवर्ड इन एन आर्टिकल? हाउ मेनी टाइम्स यू शुड रिपीट वन कीवर्ड इन एन आर्टिकल? 1.8% से कम, 1.5% से ज्यादा, सही है? टोटल आपकी जो वर्ड्स, वर्ड काउंट है, उस वर्ड काउंट का टोटल 1.5 to 1.8% बार मेंशन हुआ चाहिए वो कीवर्ड, ठीक है?
So yeah, I'll take some questions on the participant section. प्लीज मैं ज्यादा नहीं लूंगा, मैं फिर बता रहा हूं, मैं 5 क्वेश्चंस लूंगा. मैं मसूद महमूद का आखिरी क्वेश्चन है, बस वहां तक लूंगा और उसके बाद आई क्लोज दिस सेशन. बिकॉज यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोल दिया था क्वेश्चंस ले लो. मुझे क्वेश्चंस लेने से मसला नहीं है, लेकिन रेपिटेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, एज यूजल मोहतशम फिर जीत गया. मुझे लगता है ये जब आता है क्लास में उस वक्त ही जो है ना उठा लेता है ये हाथ. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, वो स्पीड होती है बस। जबरदस्त भाई, तुम गेमर भी हो क्या? नहीं, जिन असल में जिन क्लासेस जिन सेशंस के अंदर मैं आता नहीं हूँ वहां पे तो मैं हैंड रेस करता ही हूँ। आपके सेशंस के अंदर मैं आता हूँ तो मैं आते ही फिर मैं हैंड रेस कर देता हूँ, ये सवाल पूछना होता है। अच्छा, ठीक सबसे पहले तो सबको सलाम और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। मुश्किल टाइम है सबके लिए, सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और बस ये एक पूछना था, सवाल अभी अभी जहन में आया था मेरे, कि 100 कीवर्ड्स सेलेक्ट करने, अगर मतलब 100 टॉपिक्स सेलेक्ट करने, तो उस हर टॉपिक के ऊपर आपने जो बोला है कि 1500 to 1800 तक का वर्ड्स तक का एक आर्टिकल लिखना है, तो वो एक आर्टिकल इज फेयर इनफ? 1500 to 1800 तक का आर्टिकल लिखना है. एक आर्टिकल फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इज फेयर इनफ. बट मैंने तुम लोग को एक तरीका बताया था कि किस तरह तुम लोग एक आर्टिकल के अराउंड और भी कीवर्ड्स उसके अराउंड लिख सकते हो. वो तरीका मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ, एक आर्टिकल के ऊपर तुम एक कीवर्ड बिल्कुल लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, मैं तुम्हें एक आइडिया दे देता हूँ, ताकि तुम लोग का एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, बेस्ट फेस मास्क फॉर एक्नी. एक आर्टिकल लिख दो इसके ऊपर, कोई इशू नहीं, बेस्ट है. हाँ, तुम फिर ये भी लिख सकते हो, टॉप फेस मास्क फॉर एक्नी या टॉप 10 फेस मास्क फॉर एक्नी. ये भी हो गए फिर और आर्टिकल्स. सही है, लेकिन तुम्हारा मेन आर्टिकल इसके ऊपर क्या हुआ, जो पेरेंट आर्टिकल हुआ बेस्ट फेस मास्क फॉर एक्नी हुआ, उसके नीचे फिर बाकी अलाइन हो जाएंगे. टॉप 10 फेस मास्क फॉर एक्नी, दिस फेस मास्क फॉर एक्नी, दैट फेस मास्क फॉर एक्नी. टॉप वो क्यों बनेगा फेस मास्क फॉर एक्नी, अगर वो सबसे ज्यादा कीवर्ड्स जनरेट कर रहा होगा. इसके ऊपर मैं एक बहुत जबरदस्त हायरार्की बना के दिखाऊंगा, तो तुम लोग को समझ आ जाए. ठीक है, ठीक है जी. ठीक है अच्छा, मोहतशम, हाँ बोलो. ये एक और चीज पूछनी थी, कि ये अब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, यू वांट अस टू स्टार्ट द कीवर्ड रिसर्च राइट अवे? मतलब मैं तो ये काफी इंटरेस्टेड हूँ एफिलिएट वेबसाइट के अंदर, तो मैं तो सोच रहा था कि मैं करना शुरू कर दूँ, आपको सेंड कर दूँ अगर मुझे एक बंच ऑफ आइडियाज मिल जाते हैं, ताकि आप इवेल्युएट करके यू नो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे सकें उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, डन है. अच्छा, लास्टली ये मैं ही सोच रहा था कि कुछ असल में मैंने बहुत सारे कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारे आर्टिकल राइटर्स के लिए कुछ जॉब पोस्ट की हुई थी अपवर्क के ऊपर, इवेल्युएट करने के रेट्स वगैरह ही हो, तो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि एक आर्टिकल राइटर को, वैसे तो आई नो कि भाई ग्रामर से लेके हर चीज इंग्लिश वगैरह दैट आई कैन यू नो इवेल्युएट, लेकिन ये जो LSI वगैरह जो होता है, ये कुछ यू नो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो मैं चाह रहा था कि आप अगर एक दो टर्म्स और बताएं जो एक आर्टिकल राइटर को पता होनी चाहिए, ताकि यू नो हमें पता हो जाए कि यार, हाँ यार, इसको पता ही हमारे टाइप के आर्टिकल्स लिख रहेगा, लाइक तुम कीवर्ड उससे फाइवर डेंसिटी पे जाके LSI पूछ वगैरह। लो, तुम उससे पूछ लो. देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक राइटर तुम चाहो तो फाइवर पे जाके लिख सकते हो, SEO राइटर या एफिलिएट राइटर इस तरह करके, क्योंकि हमारे पास भी एक राइटर है यहाँ पे ना. एफिलिएट राइटर या SEO राइटर करके तुम फाइवर पे टर्म लिखो, टेक माई वर्ड ऑन इट, उसको ये सारी टर्म्स पता होंगी. नहीं, बिकॉज एफिलिएट राइटर आई एम नॉट एक्चुअली सर्चिंग ऑन फाइवर, क्योंकि व्हाट माय आइडिया वाज कि आई विल सर्च समवन लोकली, सही है, किसी भी कंट्री का, एज इन बांग्लादेश, इंडिया, तो मैं पाकिस्तान, तुमसे जो भी भी है। बोलूंगा, पाकिस्तान में ले लो, अपने ग्रुप से किसी को उठा लो. मैं तुम्हें सजेस्ट ये करूंगा, ताकि इकोसिस्टम बना हुआ ना, एक दूसरे को बिजनेस दो, अच्छी बात है. ठीक है, और तुम्हें इकोनॉमिकल भी पड़ेगा, बल्कि बाहर से ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा. तुम इंटरव्यू लो, पोस्ट करो ग्रुप पे कि आई वॉन्ट राइटर्स 2-3, एंड आई वॉन्ट टू स्केड्यूल एन इंटरव्यू सो दैट
मतलब मैं पता कर सकूं कि क्या मेरे लिए, मतलब आप मेरे साथ सेम वेवलेंथ पे काम कर सकते हो नहीं कर सकते, नहीं, तो सो वो सवाल कर लो। दैट वाज एक्चुअली माय आइडिया कि मैं ये चाह रहा था, मैं बस इसमें सिर्फ ये चाह रहा था कि जैसे आपका LSI होता है, सही है, आपकी कीवर्ड डेंसिटी होती है, ये मैं दो तीन चीजें चाह रहा था कि एक होता है ना कि आप हमें ये बता दें कि भाई ये चीजें एक राइटर को पता होनी चाहिए, वरना ये वो सारी फिर चीजें पता राइटर होनी चाहिए। बोले कि तुम पूछो, तुम ये मत पूछो, तुम अपनी कीवर्ड डेंसिटी ऑन एन एवरेज कितनी रखोगे। हो सकता है बोले 1.5 1.6 रखूंगा, ठीक है। तुम बोलो कि अच्छा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का तुम्हें आइडिया पता है, वो हो सकता है उस पर तुम्हें थोड़ा सा बता दे इलेबरेट करके। तुम उससे पूछो LSI के बारे में पूछ लो। तुम वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं ऑनेस्टली, उसको ये सब पता, एफिलिएट राइटर को पता होना चाहिए, आई नो पता होना चाहिए, लेकिन उसको ये रिसर्च करने की जरूरत नहीं है ना। रिसर्च तो तुम कर रहे होगे, तुम्हें उसको सिर्फ एक कीवर्ड देना है और उसको बोलना है कि तुम्हारे पास एफिलिएट एज एफिलिएट राइटर के तुम्हारे पास सैंपल्स पड़े हुए, एफिलिएट राइटर हो तुम, जी सैंपल्स पड़े हुए, एसईओ राइटर हो, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखने आते, सैंपल्स पड़े हुए, तुम खुद देख लो और उससे पूछ लो। बोले कि ये जो तुमने मुझे आर्टिकल प्रोवाइड करा है, इसमें तुम्हारा मेन कीवर्ड क्या है, सही है, इस पूरे आर्टिकल की लेंथ क्या है, ये कौन सी वेबसाइट पे गया हुआ है, अभी तुम्हारी करंट रैंकिंग क्या है, तो मुझे कोई अपने आर्टिकल्स बताओ जिस पे तुमने अपने आप को रैंक करा हुआ हो, इस तरह की चीजें। सही है, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। या मैंने बोला था आप लोग को प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, मैंने बोला था मैं आखिरी क्वेश्चन जो है ना मशहूद महमूद तक ले रहूंगा और इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम ले लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं क्वेश्चन लेने में। लेकिन फिर बहुत, एक तो मेरी भी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है क्योंकि मुझे इसके बाद भी स्टूडेंट्स के साथ कॉल पर जाना है, तो मैंने आपको बता दिया है मैं अपनी कॉल्स भी एक एक घंटे की, आधे 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 घंटे से तो कम की होती नहीं मेरी कॉल ना, एक एक घंटे की होती हैं, और अगर मैसेजेस पे भी बात कर रहा हूँ तो एक लंबी लंबी बात कर रहा होता हूँ, वॉइस नोट्स भेज रहा होता हूँ, तो प्लीज़ मैं डू नॉट माइंड, लेकिन मैं मसूद महमूद तक जो है ना आखिरी क्वेश्चन ले रहूँगा। और फिर आप लोग अपने क्वेश्चन फिर से कहीं पे डाल सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कहीं और पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जवाब दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। मोहम्मद इलियास जी, इलियास इलियास ओके अलहमदुलिल्लाह सो जी मैम, सलाम मारो, कैसे हैं आप? ठीक। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मेरा क्वेश्चन था, ये आपने एक सर्च रिजल्ट पेजेस की जो एग्जांपल दिखाई थी उसमें मैं नोट कर रहा था कि जो फर्स्ट पे रैंक कर रहा है कीवर्ड, जो कीवर्ड अपना जो वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक जो है वो कम है, जो सेकंड पे है उसकी ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि इस जो है सेशन के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्या काम करें, मतलब क्या हम एक्शन लें? आवाज थोड़ी सी कट रही है। जी मैं दोबारा बोलता हूँ, एक तो ये है कि जो आप AHRF में दिखा रहे थे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, तो जो फर्स्ट पे रैंक कर रही थी वेबसाइट उसकी ट्रैफिक कम थी सेकंड वाले से, तो उसकी क्या रीज़न है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्या एक्शन लें इस लेक्चर के बाद, क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? पहले का ट्रैफिक ज्यादा था सेकंड वाले से, आप ये कहना चाह रहे हैं, या सेकंड का ट्रैफिक ज्यादा था पहले वाले से? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि सेकंड का ट्रैफिक ज्यादा था फर्स्ट ज्यादा से। था पहले वाले से, उसकी बात देखिए, उसका बहुत सारे रीजन है। उसका एक रीजन ये होता है कि जो टर्म जो बंदा ढूंढते आ रहा था सबकॉन्शियसली, उसके माइंड में जो टर्म थी वो उसके मेटा टाइटल में लिखी हुई थी। मेटा टाइटल होता है जो आपका टाइटल उठ के गूगल के सर्च रिजल्ट पे आ रहा होता है, ठीक है। मैं कैसे दिखाऊं, मुझे पता है जो ऊपर में आ सही रहा है? है तो अगर टेक्निकल। सबकॉन्शियसली उसके माइंड में जो कीवर्ड आ रहा है वो है, तो इस वजह से उसका ट्रैफिक ज्यादा। एक दूसरा ये भी हो सकता है कि, हो सकता है, मुझे नहीं पता कि, वैसे तो वो लेटेस्ट स्टैट्स दिखा रहा है, हो सकता है कि इन पास सम टाइम वो सेकंड वाला जो है वो नंबर वन पर हो, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग कि 100% यही रीजन है, सही है। तो लेकिन ये जरूर होता है, ये मैंने अपने ऊपर भी देखा है कि, और आप लोग के साथ भी होता होगा कि
90% आप पहले वाले पे ही क्लिक करते हो, लेकिन अगर आपका सेकंड वाले टर्म की जो है टर्म वो एग्जैक्टली वही मैच कर रही हो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आप सेकंड वाले को भी या सेकंड वाले को जरूर खोलते हो, या सेकंड वाले को ही खोल के आप आगे देख लेते हो, ठीक है. लेकिन दैट इज व्हाट आई फील इज द कोर रीजन. जी. अच्छा, दूसरा मेरे क्वेश्चन ये था कि अब इसके बाद हम क्या एक्शन लें, आपकी इसके आज के लेक्चर के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? अच्छा, आखिरी चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जाए ना SERP पे, तो चलें ये तो सेकंड वाले पे ज्यादा ट्रैफिक है, सॉरी सेकंड वाले पे ज्यादा ट्रैफिक है ना, जी, लेकिन मैं इसी की आपको बात एक कर और रहा था. बात देखिएगा, एक और बात देखिएगा कि ये कीवर्ड जो है ना इसका, ये 1680 डिफरेंट और कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक कर रहे हैं. सही. मतलब इसका जो भी कीवर्ड है, न्यू गोल्फ बॉल्स फॉर एग्जांपल, या हॉट गोल्फ बॉल्स, इसका ये कीवर्ड 4500 और कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक कर रहा है, सॉरी 1680, और वो 1680 अभी आपको नजर आ जाएंगे कीवर्ड्स, और कौन से 1680 कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये आर्टिकल रैंक कर रहा है, तो ये उसको वहां से भी ट्रैफिक आ रहा है, देख रहे हैं तो आप. मतलब ये सिर्फ एक कीवर्ड की ट्रैफिक नहीं बता रहा, ये इस वेबसाइट की ट्रैफिक या इस जो है ये वेब पेज तो की अब मैं ट्रैफिक बताता बता हूं, रहा है. मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने SERP देखी, SERP तो ये करेक्ट बता रहा है, ठीक है, SERP बता दी भाई, इस SERP पे नंबर वन कौन सा है. ठीक है, अब इस कीवर्ड के ऊपर ये साइट जो है 4500 और कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुई भी है, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया, आप समझ गए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपको, जी, बिल्कुल मैं समझ गया हूँ. तो वहां से भी उसको ट्रैफिक मिल रहा है. सही सही, मतलब ये ट्रैफिक जो बता रहा है इस जो है वेब पेज की, वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि इसकी ओवरऑल ट्रैफिक है जो इस वेब पेज को आ रही है. जी बिल्कुल, ऐसे ही है. ठीक है, ठीक है, शुक्रिया. ओके, यू वेलकम. जी अहमद नहीं, मैम, हेलो अहमद, तुम अनम्यूट कर दो मेरे ख्याल से. हाँ आप सही है, आप बोलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा, मेरे दो सवाल थे. मैं समझा कि शायद अभी खत्म होने वाला है तो ये निकल जाएगा. मैंने जो है ना क्रेगलिस्ट से कुछ ट्रैफिक ड्राइव किया था, एक अमेज़न एफिलिएट की साइट पर शॉर्ट ऑर्डर मैंने बना दिए थे. तो अब मुझे नहीं ओके, मालूम कि अब आज 2020 में क्या रूल्स चेंज हो गए हैं, फेसबुक से ऑर्गेनिक या रेडिट वगैरह से अगर मैं लाना चाहूँ. मैं मानता हूँ कि हम SEO पे फोकस करना है, आपका सारा ध्यान फोकस SEO पर है, लेकिन अगर मैं लाना चाहूँ तो कोई कबाहत बाय टर्म्स एंड कंडीशंस सेट बाय अमेज़न? नहीं, कोई मसला, बहुत अच्छा है. मैं आपको बताता हूं, असल में डाउन द रोड ना जब ये टॉपिक खत्म होने की तरफ आ रहा होगा, तो मैं आप लोग को दूसरे भी सोर्सेस बताऊंगा ट्रैफिक लाने के. सिर्फ ट्रैफिक के ऊपर भी मेरा फोकस होगा कि मैं आप लोग को सिर्फ ट्रेन ही इस चीज के ऊपर करूं कि ट्रैफिक, दैट्स इट. तो जब मैं ठीक. उस पॉइंट पर आऊंगा, तो फिर मैं आप लोग को बाकायदा तरीके और भी बता रहा हूँ. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ये हर किसी पे प्रॉब्ली सेम नहीं जाएगी सिचुएशन. मैंने आपको शायद इतना अंदाजा हो गया होगा, मैंने काफी बार जिक्र करा है कि मुझे गेमिंग 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 का बहुत शौक है, गेमिंग पिक्चर ये वो फलां ढमाका. तो मेरे पास एक इंस्टाग्राम का वो भी अकाउंट भी है, सही है, और ये मैंने पिछले 2-3 साल से बना रहा हूँ. ठीक है, ये प्योर गेमिंग के ऊपर है, प्योर गेमिंग के ऊपर है, तो मैं बहुत आराम से इसके थ्रू उसको ट्रैफिक भेज सकता हूँ और सेल्स करवा सकता हूँ. एक इसके टोटल जो है वो फैन फॉलोइंग 1,24,000 है, और बहुत एक्टिव जबरदस्त. अवाम है, और इसके टीयर 1, अच्छा, टीयर 2, टीयर 1 कंट्रीज हैं इसमें, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यही अवाम है इसके ऊपर, तो अच्छी कन्वर्टिंग अवाम है, और मैंने इससे अपने आप को अच्छे खासे ऑर्डर्स भी दिलवाए हैं और सेल्स भी करवाई हैं. तो ये जबरदस्त. चीज़ आप लोग भी कर सकते हो कि इफ़ यू गाइज थिंक, या अगर आप लोग चाहते हो बाद में कोई ऐसा मॉड्यूल मैं डिस्कस कर लूँ कि तुम लोग अपना सोशल मीडिया, कोई इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म या कोई प्लेटफॉर्म कैसे बनाओ फ्रॉम स्क्रैच, और उसको जल्दी कैसे स्केल अप करो, ताकि फिर तुम लोग उसको कॉन्ट्रीब्यूट कर सको मे बी अपनी PL की सेल्स की तरफ, या अपने एसोसिएट्स की सेल्स की तरफ, तो उस पर भी मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत साल काम करा है. जबरदस्त.
अच्छा सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप अभी आपने कहा कि आप जो है ना वो आर्टिकल लिखना शुरू कर दें एक्ने पर, तो मैं ये समझता हूँ कि आप सब ये कह रहे हैं कि लिख सकते हैं और अभी जो दूसरा पार्ट है कीवर्ड रिसर्च का उसमें आप कंप्यूटर एनालिसिस भी करेंगे, सर्च अभी तो बाकी है मेरे ख्याल में काफी कुछ कीवर्ड रिसर्च पर, नहीं काफी नहीं कीवर्ड का सेक्शन हाँ बाकी है, बिल्कुल बाकी है, और फिर उसके बाद फौरन जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा होगा वो वेबसाइट आर्किटेक्चर वगैरह के ऊपर आ रहा होगा। आई डोंट नो, अवैस यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं अवैस के साथ मिलके तुम लोग के साथ मिलके एक इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर टू अवैस कि उसने जो है ना मतलब खुद से वॉलंटियर करा है, और इंशाल्लाह वो जो भी प्रोजेक्ट होगा वो उस प्रोजेक्ट पे किसी को कोई पैसे नहीं मिलने वाले, वो एक तरह से चैरिटी प्रोजेक्ट है या एक प्रोजेक्ट है जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं और वीबीसी नहीं ले पा रहे ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस, हम लोग उनको वीबीसी दिलवाएंगे, ठीक है। वो एफिलिएट प्रोजेक्ट ही होगा, वो ये प्रोजेक्ट होगा कि 4-5 प्रोजेक्ट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे जो भी इनकम जनरेट होगी या होती रहेगी वो हम लोगों को देंगे कि वो वीबीसी खरीद लें, या मतलब आई डोंट माइंड, मुझे कोई मसला नहीं है, किसी कोई ऐसी खातून है जो घर पे बैठी हुई जो परेशान है, ठीक है, हम उनको वो प्रोजेक्ट दे दें, लेकिन वो प्रोजेक्ट इसलिए होगा ताकि हम लोग टेस्ट कर पाएं कि कीवर्ड केस स्टडी बन जाए हमारे लिए कि कीवर्ड कितने अरसे में आप लोग देख सको कि रैंक हो रहे हैं, बैकलिंक्स कितने जनरेट हुए, कौन कौन से निश के ऊपर हम लोगों ने काम करा, ये सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर हम लोग को प्रॉब्ली सम वॉलंटियर्स वी वुड वांट सम वॉलंटियर्स जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं ऑन बोर्ड आके, ठीक ओके। जी उसामा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग जो भी मेरी पहले वेबसाइट दिखाई थी आपको। अच्छा मेरा आज के मुताले के सवाल है कि जो नॉन बाइंग कीवर्ड्स है उसमें से हम ये कर सकते हैं कि कुछ नॉन बाइंग कीवर्ड जो इजीली रैंक हो सकते हैं हम उस पर आर्टिकल लिखवाएं और फिर उससे कनेक्ट कर दें, जो आपसे मेरी बात हुई थी जो आपका मेन कीवर्ड है। नहीं देखो वो जो मेरी तुमसे बात हुई थी ना वो भी एग्जैक्टली नॉन बाइंग नहीं है, वो इतने बुरे नहीं है। नॉन बाइंग बिल्कुल ये हो गया कि आप तो कोई न्यूज़ या किसी आर्टिकल के बारे में बात शुरू कर दो, जैसे कि देखो एक होता है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बाइंग इंटेंट कीवर्ड्स, एक होते हैं ओकेश, ठीक है, एक होता है ही नहीं, वो है ही नहीं जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लेंडर्स की बात कर रहा हूँ, ब्लेंडर्स में हो गया टॉप 10 ब्लेंडर्स, ठीक है, थोड़े से साइडलाइन हो गए कि बेस्ट ब्लेंडर फॉर कैरेट जूस, सही, ठीक है, ये थोड़े से साइडलाइन हो गए, कोई मसला नहीं है, आप लिखो, आपको समझ आता है आप लिखो बिल्कुल इसके ऊपर, और इस तरह के अनगिनत आर्टिकल्स बन जाएंगे। कोई स्पेसिफिक स्मूदी है जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, कोई स्मूदी वर्ल्ड में भी कोई सबसे ज्यादा कोई मशहूर स्मूदी है जो लोग ज्यादा पीना पसंद करते हैं, तो आपने उसके ऊपर लिख दिया बेस्ट ब्लेंडर फॉर दैट स्मूदी स्पेसिफिक करके, उस पर सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी मे बी एक हफ्ते के अंदर एक कन्वर्जन आ जाए। तो जब आप एज अ होल कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं सारे आर्टिकल्स का, तो वो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, तो आपका वो गोल अचीव होने के चांसेस अच्छे होंगे। सही सही, बस यही सवाल था, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी जैन, जैन आपका माइक अनम्यूट हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? जी जी आ रही है। सर सॉरी आपने ये शायद दोबारा पहले भी आंसर किया हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, सेशन मैंने मिस कर दिए। तो जैसे कि सर अब मैं इसको टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ रहा हूँ कि जैसे भी एक ट्रेंड चल रहा है कोरोना वायरस सर्जिकल मास्क का, ओके, तो वी डोंट नो कि ये कब तक है सिचुएशन। अब जैसे हमने टारगेट किया, साइट बनाई, हमने आर्टिकल्स लिखे, ठीक है, अब 2-3 महीने तक इंशाल्लाह जो मैं उम्मीद करता हूँ सिचुएशन बेटर हो जाएगी और इंशाल्लाह सर्जिकल मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारे अगर कोई इसको टारगेट करे तो इज इट आइडियल और नॉट? I think उससे आपको सबसे सबसे आसान तरीका ये, अगर आपको लगता है कि
देखिए निश साइट पे ना रैंक होना आसान है, आई नो बिल्कुल आपका बिल्कुल एक सही तरीका है, एक आइडिया सोचने का तरीका बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। एक मिनट रुकिएगा। और देखिए मास की कैटेगरी जो है ना, आई डोंट थिंक कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसका मैं बोलूं जो सिर्फ सीजनल है। हाँ, ट्रेंड और उठ गया, आप समझ रहे हैं। मास्क मैं मानता हूं हर कोई मास्क नहीं पहनता, लेकिन मैं ये भी बता दूं, आई पर्सनली फील के ये जो कोरोना वायरस का जो इतना बड़ा जो वाकया चल रहा है, इसके बाद लोग मतलब आई पर्सनली फील इतने डर गए होंगे कि वो वैसे भी मास्क पहनेंगे। मतलब आई थिंक मुझे ख्याल है, हाँ, आउट ऑफ बिकॉज आउट ऑफ फियर कुछ लोग शायद, वैसे भी चाइना वाइना और जगहों पे तो वैसे भी लोग दिन में, वैसे भी कुछ लोग तो काफी लोग जो साइकिलिंग करते हैं वो तो पहनते ही हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो अब इसका ट्रेंड मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मास्क का वैसे भी जो जनरल ट्रेंड चल रहा होगा वो भले कम ही चल रहा हो, वो अब काफी उड़ जाएगा कोरोना वायरस के खत्म हो जाने के बाद भी। दिस इज व्हाट आई थिंक, मैं ये नहीं बोला बहुत बूम कर जाएगा, लेकिन जनरली लोग अब ज्यादा यूज करेंगे मास्क, तो आई थिंक या आई मीन यू शुड गो फॉर इट, आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सीजनल वाला इम्पैक्ट दिमाग में रखिए। आइडिया ले रहा था सर कि अगर इस तरह का यू नो कोई मूवी आई है तो उसके में कोई गैजेट्स यूज हुए हैं यू नो जैसे स्टार वार्स या कुछ इस तरह, तो उसका ट्रेंड थोड़ी देर के लिए रहता है, वो फिर वो डिक्लाइन हो जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जाए कि आया कि कोई नीश रिलायबल है या नहीं है। यानी चल मास्क तो मेरे ख्याल से जैसा कि आपने कहा है कि अब लॉन्ग टर्म एक फियर भी क्रिएट हो गया, तो हो सकता है इसका इन द फ्यूचर रहेगा ट्रेंड। लेकिन इस तरह का जो सिचुएशन होती है जिसमें दो ज्यादा से ज्यादा दो या तीन महीने मैक्सिमम, तो क्या वो आइडियल है उस नीश को टारगेट करना? मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन यू कैन गिव इट अ ट्राई। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको मतलब आई जस्ट फील के मास्क की पहले जो है ना कोई भी वो एज सच वो नहीं थी डिमांड, सही है, वाकई ये तो बड़ी जबरदस्त जंप लगी। हाँ, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि मास्क की डिमांड ना एज अ होल थोड़ी मतलब बढ़ जाएगी। एक तो ये नहीं हो गया ना फेस मास्क फेशियल जो लड़कियां करती हैं, फेस केयरिंग के लिए। इसको आप क्या बोलोगे, कौन सा मास्क बोलोगे इसको? सर्जिकल मास्क बोलते हैं शायद इसको ज्यादातर। सर्जिकल मास्क भी हो गया, वैसे भी सेफ मास्क नहीं, मेरा नहीं ख्याल सेफ मास्क कहते हैं इसको। ज्यादातर जो टर्म मेरे ख्याल से है ये सर्जिकल मास्क। आप ऐसे ये देखो कि ये सिर्फ मास्क टर्म जो है ना ये इटसेल्फ इसकी वजह से उठी है, सिर्फ मास्क। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो आई मीन मास्क में तो फिर हर तरह के मास्क आ जाते हैं, कॉस्ट्यूम मास्क भी आ जाते हैं, फिर ये वाले मास्क भी आ जाते हैं, तो या फिर जैसे कि कहा गया है सर्जिकल मास्क या डस्ट मास्क, क्योंकि ये एक तरह से डस्ट। वैसे आई थिंक मास्क कैटेगरी जो है ना वो जनरली इतनी मैं समझता हूँ बुरी नहीं है। देखें अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देखें ना, तो आई मीन यहाँ पे तो बहुत ही क्रेजी है, ये तो छोड़ दें, लेकिन अगर आप लेट्स सपोज पिछले साल का देख लें, मेरे ख्याल से इसको टारगेट करना मुश्किल भी होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफी लोग आर्टिकल्स वगैरह बना चुके होंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स भी इस गेम में आ गए होंगे, तो सारी बात है ये एक नेचुरल चीज है। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मैं जरा एक सेकंड भाई तुम्हारे लिए ही देख रहा हूँ। तो देखो मास्क की जो है ना कैटेगरी इतनी मतलब ओके चलती रही है, और इसमें तो मैं तुम्हें बता दूं हर तरह का मास्क आ रहा है, ये तो वो सर्जिकल मास्क हो या वो कॉस्ट्यूम मास्क हो, वो हर चीज आ रही है यहाँ पे। तो मास्क के ऊपर तुम खोल सकते हो और फिर उस पे तुम हर तरह के मास्क के बारे में बात कर सकते हो। सही है, सही है, ठीक है, थोड़ी वाइडन रखूं ताकि इनके इसके सर्जिकल मास्क का ट्रेंड नहीं है तो या समथिंग वो उधर से भी उठा सके। वैसे मैं कर नहीं रहा इंशाल्लाह, इसकी जरूरत नहीं है मेरे पास, ये नहीं बेटर आइडियाज है, लेकिन मैं वैसे एक ट्रेंड फॉर द सेक ऑफ ट्रेंड पूछ रहा हूं। हां आई नो ठीक है, थैंक यू, मैं नेक्स्ट ले लेता हूं प्रॉब्लम, थैंक यू लास्ट वन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
जी मसूद। जी मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोइज़ भाई, मुझे ये पूछना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई कीवर्ड लिखते हैं गूगल पर तो फीचर्ड स्निपेट आ जाता है टॉप पर। इस तरह अगर आप अभी गूगल पर लिखेंगे बेस्ट सनग्लासेस, काइंडली अगर आप लिख लें तो सब देख लेंगे कि फीचर्ड स्निपेट क्या होता है। उसका मुझे पूछना था कि किस तरह आता है ये, मैं तुम्हें और आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, बेहतर है कि मैं अभी, क्योंकि फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ये फीचर्ड स्निपेट क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है। वैसे मैं तुम्हें बताऊँ, ये ज़्यादातर जब आपकी एक रेलिवेंसी क्रिएट हो चुकी होती है ना गूगल की नज़र में, तब भी फीचर्ड स्निपेट आता है। जैसे मैं तुम्हें बता दूँ, तुम लोग के सामने अभी मैंने डोटा 2 लैग लिखा था ना, अब ये फीचर्ड स्निपेट आ गया, ये देखो। सही देख रहे हो ना? तो वैसे तो इसके बारे में तुम और यहाँ पे भी पढ़ सकते हो और ये आ जाएगा। सही है, सही। तो दिस इज वेयर यू कैन रीड अबाउट फीचर्ड स्निपेट्स के क्या इसका वो होता है तरीका, और क्या गूगल ओवर टाइम देखता है आपको कि आप कितना क्वालिटेटिव अपने आपको आर्टिकल लिख रहे हो, लोग कितना पसंद कर रहे हैं आपके आर्टिकल्स को और सारी चीजें, तो फिर उसके बाद ये आपको ऑटोमेटिकली फीचर्ड स्निपेट पे भी डाल देता है। लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल वर्किंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये था मेरा कि फेसबुक पर मैंने आपको मैसेज किया है, मैंने नीच वगैरह अपनी सेलेक्ट की थी, कीवर्ड्स वगैरह भी सेलेक्ट किए थे, तो अभी जो आपने आज क्राइटेरिया बताया है उसके हिसाब से आई थिंक मेरी नीच थोड़ी सी सीजनल है, लेकिन ये है कि जो मैंने नीच पिक करी है ना उस पर अमेजोन के तकरीबन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑन एवरेज उनकी कॉस्ट $1,000+ है, तो मतलब थोड़ी हैवी नहीं। मत जाना, बिल्कुल भी मत जाओ। मैं शायद वो वाली स्लाइड इंक्लूड करना भूल गया। कोई भी प्रोडक्ट, पता नहीं कैसे मैंने मिस कर दिया, कोई भी प्रोडक्ट जिसकी प्राइस लेस देन $550 हो एंड मोर देन $250-$300 हो, मत जाओ उस तरफ। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल था, सोशल मीडिया पेजेस अगर हम बनाकर उस पर शेयर करते हैं तो क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने फाइबर पे देखा है अक्सर लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं कि 500+ शेयर्स कर देंगे, ये कर देंगे, तो क्या इससे मतलब खुद से करो। जब मैं ट्रैफिक की तरफ आऊंगा तो मैं ट्रैफिक के हर एस्पेक्ट को कवर करूंगा, तुम लोग को बताऊंगा कि सिर्फ ऑर्गेनिक से हटके भी तुम लोग अपने पास ट्रैफिक कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक। और अच्छा, ऐसा हो कि अगर हमने कोई कीवर्ड सर्च किया जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी 0 हो लेकिन सर्च वॉल्यूम कम हो, फॉर एग्जाम्पल 200-300, तो क्या मतलब वो जाना चाहिए उस पर या सर्च वॉल्यूम थोड़ा अच्छा होना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं, अगर लेकिन पहले सबके ऊपर लिख लो जो सबसे इम्पोर्टेंट वाले, बाद में फिर उनके ऊपर भी लिखते रहो। ठीक है। और अच्छा, लास्ट सवाल मेरा गूगल कंसोल से रिलेटेड है। जब हम आर्टिकल्स लिखते हैं तो क्या जरूरी होता है कि हम सबके सब जितने भी आर्टिकल्स हैं सबको गूगल कंसोल पे इंडेक्स करें? इंडेक्स करना जरूरी है, वो उन चीजों के ऊपर भी मैं आ जाऊंगा आपके पास। चले ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलें गाइज, आई होप आज का सेशन आप लोग के लिए अच्छा रहा हो। मैं हमेशा कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि कोई भी, मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था शायद पहले सेशन में, कि हाफ इंफॉर्मेशन या एम्प्टी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादा वो रहती है। सॉरी गाइज, मैंने तुम लोग को बोल दिया था मैं और सवाल नहीं ले रहा हूँ, तो डू नॉट माइंड। मैं अब बाकी से, तुम लोग मुझसे अलग से सवाल कर लो, वो कर लो, लेकिन प्लीज़ समझो कि मुझे अभी भी और बहुत बात करनी है और लोगों से, उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, प्लीज़, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो सही है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।